कुछ समय की। मुझे याद आ गया, ऐसा लग रहा है कि ये नौजवान अपनी वलवला अंगेजी के ज़रिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो गैर दस्तूरी और गैर क़ानूनी जो इक़दामात दस्तूरुल अमल मरकज़ी अंजुमन महदविया के ज़िमन में उठा रहे हैं उसका सदबाब करने के लिए नौजवान इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत कारामत साबित होंगे। हजरात, आज यहाँ पर हम सारे इसलिए जमा हुए हैं कि डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब का सदारती पर्चे नामज़दगी बहसियत उम्मीदवार गैर क़ानूनी और गैर दस्तूरी तरीक़े से मंसूख कर दिया गया है। उनके पर्चे नामज़दगी की मनसूखी में दस्तूरुल अमल मरकज़ी अंजुमन महदविया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया है। इसीलिए कौम महदविया के मुफक्करीन की जानिब से ये पुरअमन एहतजाजी जलसे आम मुनक़िद किया जा रहा है। इस जलसे आम में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कौम महदविया के मुफक्करीन जो हैं खिताब करेंगे और दस्तूरुल अमल की किस तरह धज्जियाँ उड़ाई जा रही है उसका खुलासा करेंगे। मगर मसर्रत की बात यह है कि जहाँ पर हमारे असलाफ हमारे बुज़ुर्ग जो हैं इस जलसे को उनकी सरपरस्ती हासिल है, ये उनके नूरानी चेहरे देखकर एक तरफ ये मसर्रत हो रही है कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है, तो दूसरी जानिब ये खुशी भी हो रही है कि कौम महदविया का नौजवान तबका जो है वो बाशऊर हो गया है। उनके दिल में भी अपने अजीम और कदीम मरकज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जज्बा ठाएँ ठाएँ वलवले मार रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कौम का मुस्तकबिल संभालने वाले नौजवान जो सियाह लिबास ज़ेबतन किए एहतजाजन यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन तमाम का मुफक्किराने कौम महदविया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल करता हूँ। हजरात, अभी कुछ ही देर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस एहतजाजी पुरअमन जलसे का आगाज़ होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरात, अभी ये एहतजाजी जलसे आम का आगाज़ हुआ चाहता है। मैं सबसे पहले इल्तिमास करता हूँ जिसकी तायीद और हिमायत में जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, जनाब डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब सदारती उम्मीदवार मरकज़ी अंजुमन महदविया जिसका पर्चे नामज़दगी गैर क़ानूनी और गैर दस्तूरी तरीक़े से नामज़द किया गया है, उन्हें शहनशीन पर आने की दावत देता हूँ। अब मैं हज़रत मुहिब्बे मिल्लत मकसूद अली ख़ान साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन महदविया सरपरस्ते आला तंजीम महदविया हज़रत मकसूद अली ख़ान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब हज़रत सैयद अब्दुल वहाब इसाक़ी साहब साबिक सदर मरकज़ी अंजुमन महदविया से इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। अब मैं हज़रत मुहिब्बे कौम मोहम्मद नेमतुल्ला ख़ान साहब सूफ़ी सदर तंजीम महदविया से मौतबाना इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब नवाब सफदर अली ख़ान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। अब मैं जनाब अलहाज सैयद खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब साबिक नायब सदर मरकज़ी अंजुमन महदविया से मुल्तमिस हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं अब जनाब सैयद अबुल फैज़ सैयद अहमद
आबेद साहब से इल्तिमास करता हूँ, साबिक मोतमद उमूमी मरकज़ी अंजुमन महदविया से इल्तिमास करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब अबुल फैज़ सैयद अहमद आबिद साहब। अब मैं जनाब गौहर कौम मुख्तदर अमीर अली ख़ान साहब से मुल्तमिज़ हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब असगर ख़ान साहब साबिक़ सेक्रेटरी मरकज़ी अंजुमन महदविया से इल्तिमास करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब फिरोज़ इनायत ख़ान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। मैं जनाब सादिक़ मोहम्मद ख़ान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वह शहनशीन पर तशरीफ़ लाएँ। आज हम यहाँ पर अपने किसी ज़ाती मफाद के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। हमारा मकसद यहाँ पर जमा होने का सिर्फ़ ये है कि हम मरकज़ी अंजुमन महदविया के दस्तूरुल अमल की पामाली जो हो रही है, दस्तूरुल अमल मरकज़ी अंजुमन महदविया के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। आप तमाम हजरात इस बात से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि जनाब डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब का जो पर्चे नामज़दगी है, उसको दस्तूरुल अमल की खिलाफ वर्जी करते हुए मनसूख कर दिया गया है। तो मैं इस पुरअमन एहतजाजी जलसे आम के आगाज़ के लिए आगाज़ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खिरत कलाम पाक से करूँगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أعمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رزوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم قَوْمٍ أَن صَدُّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ الْإِثْمِ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَصَدَقَ الْمَهْدِيُّ الْمَعْهُودُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ। हजरात अब मैं जनाब सैयद अली यूसुफ़ असद से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सामईने इकराम और सदर मोहतरम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इजाज़त चाहता हूँ हमारे मकसूद अली ख़ान साहब से, इजाज़त चाहता हूँ। जिस किसी ने भी मुसीबत में पुकारा या नबी, जिस किसी ने भी मुसीबत में पुकारा या नबी, मिल गया उसको सारा या नबी। जब खुद में नाज ही में जीना मरना है मुझे, वो गमे दूरी मुझे क्यों कर गवा। आपकी जिस पर भी
बेकसों का पूछने वाला इस जहां में कौन है, दो जहां में दो जहां में आप ही का है सहारा या नबी, आपकी ये शान लायक नहीं हरगिज नहीं, चांद सूरज का इल्तिमास करता हूँ नौजवान शायर सैयद अब्दुलशुकूर शादाब से वो तशरीफ़ लाएँ और नाते महदी माऊद अलैहिस्सलाम के पांच अशार सुनाने की सआदत हासिल करें। सैयद अब्दुलशुकूर शादाब पेश कर रहा हूँ। मुर्शिद के रास्ते से ही हक रास्ता मिला, मुर्शिद के रास्ते से ही हक रास्ता मिला, फिर होते होते याद नहीं क्या से क्या मिला, मुर्शिद के रास्ते से ही हक रास्ता मिला, फिर होते होते याद नहीं क्या से क्या मिला, अल्लाह का करम भी ये कैसा है क्या कहें, अल्लाह का करम भी ये कैसा है क्या कहें, मेहदी मिले रसूल मिले और खुदा मिला, अल्लाह का करम भी ये कैसा है क्या कहें, मेहदी मिले रसूल मिले और खुदा मिला, दिल के अंधेरे खाने में बिजली चमक उठी, दिल के अंधेरे खाने में बिजली चमक उठी, कुरान से ही रोशनी का रास्ता मिला, रसी जो दीन मेहदी की थामी तो ये कहा, रसी जो दीन मेहदी की थामी तो ये कहा, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दुआ मिला, रसी जो दीन मेहदी की थामी तो ये कहा, मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दुआ मिला, आखिरी शेर के छोटी समझ के छोड़ो ना एक नेक भी कभी, छोटी समझ के छोड़ो ना एक नेक भी कभी, छोटी सी नेकी का भी अजब जायका मिला, छोटी समझ के छोड़ो ना एक नेक भी कभी, मगता है कि ये खुश नसीबी अपनी है शादाब वाकई, ये खुश नसीबी अपनी है शादाब वाकई, मेहदी से सीधा रास्ता सरकार का मिला, मेहदी से सीधा रास्ता सरकार का मिला, मुर्शिद के रास्ते से ही हक रास्ता मिला, फिर होते होते याद नहीं क्या से क्या मिला। शुक्रिया जनाब। हज़रात, मैं हमारा ये पीसफुल पुरमन जमहूरी एहतजाजी जलसे आम का मकसद और मंशा आप तमाम हजरात को मालूम है। 18 अगस्त मरकज़ी अंजुमन मेहदविया की तारीख का सबसे सियाह दिन है। मौर्रिख अगर लिखेगा तो इस दिन को 18 अगस्त 2024 के दिन को मौर्रिख तारीख का सबसे सियाह दिन लिखेगा, क्योंकि मरकज़ी अंजुमन मेहदविया के दस्तूरुल अमल की खिलाफ वर्जी और पामाली के ज़रिए डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब का पर्चे नामजदगी मंसूख किया गया है। आज इसी गैर दस्तूरी और गैर क़ानूनी इकदाम के ख़िलाफ़ मुफक्किरान कौम मेहदविया की जानिब से जलसा मुनक़िद किया गया है, तो मैं आपसे ख़िताब के लिए एक गुजारिश करता हूं, जो भी मुकर्ररीन को दावत ख़िताब दूंगा, हमारे पास 2 बजे से 5 बजे तक का पुलिस परमिशन है, तो उस वक्त को मलूज रखकर अपने ख़िताब को जारी रखें। मैं सबसे पहले जनाब अबुल फैज़ सैयद अहमद साहब से मौतबाना इल्तिमास करता हूं कि वह तशरीफ़ लाएं और अपने एहतजाजी अल्फाज दर्ज कराएँ। अबुल फैज़ जनाब सैयद अहमद आबिद साहब। रसूल करीम अलमाइदी माऊद लज़ीम, हाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना एक एहतजाज दर्ज कराने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 18 तारीख से पहले अली जनाब डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब के साथ जब शोकास नोटिस का जवाब देने के लिए हम वहाँ गए थे, तो उनको हर तरीक़े से समझाया गया
लेकिन उनको ये नहीं मालूम या बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम है कि अंजुमन का जो दस्तूर है वो उर्दू ज़बान में है और उसका इतलाक़ उर्दू के सियाक़ और सबाक़ के हिसाब से ही होगा। उसका जो अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया गया है उसमें कई गलतियां हैं और रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने उस क्योंकि उनको इंग्लिश पे मानते हैं वो कि काफ़ी उबूर है तो वो इंग्लिश के हिसाब से उसके माने निकाल के उसका मतलब निकाल के गैर दस्तूरी तौर पर उन्होंने हमारे डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब का पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया। दस्तूर की दफ़ा 14 वाउ जिसको ये लोग 14F के तौर पे अंग्रेज़ी में पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो लिखा हुआ है मोहरिक या मोहित पांच रुकनी कमेटी का मोहरिक या मोहित दस्तखत नहीं कर सकता। ये लोगों ने उसका तर्जुमा सपोर्टर कर लिया और ये समझ लिए कि अगर कहीं किसी रुकन उम्मीदवार के साथ कोई पांच रुकनी कमेटी का रुकन साथ भी चला रोड के ऊपर भी मिल लिया तो उन्होंने उसने दस्तूर की ख़िलाफ़ वर्जी की। जबकि खलील ख़ान साहब ने अपने बयान में जो व्हाट्सएप के ऊपर वायरल हुआ है साफ साफ लिखा है कि मैं आरओ के दफ्तर में उस वक़्त मौजूद था, मेरे सामने एक और एक साहब ने पर्चा जमा कराया और उसके बाद जनाब डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब आए और उन्होंने पर्चा दिया। उस वक़्त कुछ फ़ोटोज़ लिए गए जिसमें मैं नज़र आ रहा हूँ और उनके मामू मसूद अली ख़ान साहब के मामू के वो दोस्त हैं इसीलिए वहाँ थोड़ा सा हंस बोल लिए बात कर लिए तो उसको बेस बनाकर ये लोगों ने डॉक्टर साहब का पर्चा मुस्तरद कर दिया। उसका एहतजाज पूरी तौर पर हम दर्ज करना चाह रहे हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता क्योंकि हमको टाइम 5 बजे से पहले काम ख़त्म करना है और बहुत तफसील से अच्छे अच्छे मुखरिर और मेरे से बहुत सीनियर लोग यहाँ मौजूद हैं वो बोलेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हज़रत मोहित और मुहर्रिक का जो फ़र्क है वो फ़र्क को बुनियाद बनाकर अगर किसी का पर्चे नामजदगी मंसूख किया जा रहा है वो भी एक ऐसे और अहल उम्मीदवार का जिसके इंतखाब से कौम भरपूर फ़ायदा उठा सकती थी, ये कौम के साथ नाइंसाफ़ी है और कौम का नुकसान करने के मुतरदिफ़ है। मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब जनाब खुर्शीद हुसैन बल्की साहब से मुद्दमाना इल्तमास करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब खुर्शीद हुसैन बल्की साहब। अस्सलामु अलैकुम। मोहतबरान मोहजाब हमारे गाँव के बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सबको सलाम, मेरे नौजवान साथियों को सलाम। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है इसके लिए ये जो है साइलेंट स्ट्राइक कर रहे हैं हम लोग। आप सबका ताउन है हमारे साथ और एक्चुअली अगर देखा जाए तो मुझे नॉमिनेट करने वाले थे, मैं ठहरने वाला था लेकिन जब मैं महसूस करा कि मसूद अली ख़ान साहब ठहरे तो मैं अपने आप को विड्रॉ कर लिया। इस वजह से कि ये कौम का मामला है, कौम का मामला है और वो और मैं मिल के काम करेंगे। अंजुमन आज जिस हाल में पहुंची है इसको उठा के आज से 15 साल पहले की अंजुमन बनाना हमारा काम है। अब इसमें आप सब लोगों के ताउन की ज़रूरत है ताकि जो है पहले जैसा स्पोर्ट्स होते थे इस अंजुमन में 600 साल जश्न मुशायरा 3 दिन के लिए मुनक़िद हुआ था इस अंजुमन में यहाँ और अकेले वाले मोहम्मदिया साहब की मस्जिद में फजला मियाँ साहब करवाए थे। तो वैसे जो है प्रोग्राम और अंजुमन मेहतविया का नाम हर जगह है। हम जाम से बोलते हैं बाहर के लोगों की बाहर की महफिल में जब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं मेहंदी पठानी, हम कभी झिझकते नहीं हैं। उसी वजह से हमको यह होता है कि खोजों की कम्युनिटी छोटी है, हमसे बहुत छोटी है मगर उनकी यूनिटी उनका जो तौर तरीका है उनकी यूनियन को चलाने का वो सोच सोच के जो है हम आज 10 साल से जो है कई खुद मुर्शद मैं ठहरना चाह रहा था मुर्शदीन आगे आगे तो मैं हट गया
मुला मुर्शिदीन के मुकाबले में मैं नहीं ठहर सकता। तो हमारा इरादा ये है कुछ अच्छा काम करें, अंजुमन मेहदविया का बैनर जो है ऊंचाई पे ले जाएं। आप सब लोगों के ताउन की ज़रूरत है, इस वजह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है। आर ओ साहब गलत करे हैं, जिसकी मैं तायद करता हूँ, मसूद साहब की तायद करता हूँ। आर ओ साहब का जो वो था कैंसिल करने का, डिस्क्वालीफाई करने का, वो बिल्कुल गलत डिसीजन है। ही कुड हैव मैनेज्ड, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो भी नॉमिनेशन दाखिल करने से पहले, ना एक्चुअली इलेक्शंस में होता है कि नॉमिनेशन करने पर सबों गाड़ियाँ सबों लोग आते, नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटिनी के बाद कैंसिल होता। यहाँ जो है नॉमिनेशन के साथ ही जो है उसमें फ़ोटो आ गई किसी की मेंबर की, तो कैंसिल कर देना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरी कुव्वत से हमारे कौम की तरफ से इसको कंडम करता हूँ। शुक्रिया, खुदा इस पुरअमन एहतजाजी जलसे आम में जनाब अब्दुल जब्बार खान साहब और जनाब हज़रत मुसद्दक़ खुदमेरी साहब, सैयद मुसद्दक़ खुदमेरी साहब क़िबला का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब मैं जनाब हज़रत सैयद अब्दुल वहाब इसाक़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वह अपने ख्यालात का इजहार करें। हज़रत सैयद अब्दुल वहाब इसाक़ी साहब, मैं सबसे पहले जनाब अज़हर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस महफिल में मुझे याद किया गया और कुछ कहने के लिए कहा गया। अगरचे मेरी वाबस्तगी मरकज़ी अंजुमन है मेहदविया से 1965 से है, और जैसा कि ज़बीहुल्लाह साहब फरमा रहे हैं 18 तारीख नहुस दिन है, वैसा नहीं है। तारीख अंजुमन के जो है इससे पहले भी कई जो है नहुस दिन आए, और उस वक्त ऐसा कोई एहतजाजत नहीं हुआ, हालांकि जब ही से होना था। दस्तूरुल अमल हाल में जो तब्दील किया गया है उसमें गैर दस्तूरी तौर पर जो है कोरम के मुताबिक ना काम नहीं हुआ, कोरम से हट कर जो है दस्तूर पास कर लिया गया। उसके उस वक्त ही जो एहतजाज होता तो और अच्छा रहता। उस वक्त जो है बाज मेरे मुखर साथियों में से मकसूद अली खान साहब, आबिद साहब और दो तीन हजरात एहतजाज भी किए। वो ज्वेलर मौजीब साहब भी उस दिन बहुत ज़्यादा एहतजाज करें, मगर दस्तूर अमल को जो है किसी कदर तब्दील कर दिया गया, जब से जी वो होना चाहिए था। अब सवाल यह है कि मौजूदा दौर में रिटर्निंग ऑफिसर साहब क्या कर रहे हैं। मैं जहाँ तक रिटर्निंग ऑफिसर से वाकिफ़ हूँ, वो बहुत ईमानदार आदमी है, काबिल आदमी है, और इससे पहले जो है कई कॉलेजों में जो है प्रिंसिपल वगैरह की हैसियत से काम करें। उनकी कमजोरी से मैं ये वाकिफ़ हूँ कि वो एक जगह नहीं टिकते उन। अब जैसा अभी बोल रहे थे, एक अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन कर लिए या उर्दू में ट्रांसलेशन कर लिए, वो ज़रूरी नहीं है वैसा होना। दस्तूर जो है दो तीन कापियाँ अवेलेबल हैं, वो देखिए आप, वो देख के जो है काम कर सकते हैं। मगर ये है कि मैं जो बोला वही सही है, बोलना गलत है। अब ये है कि एहतजाज क्यों किया जा रहा है, इससे कुछ फ़ायदा है? पहले ये सवाल उठाइए, क्या इससे कुछ फ़ायदा है? अगर रिटर्निंग ऑफिसर साहब इस मकसद को कामयाबी से ले सकते हैं, अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिए इलेक्शन की तारीख, डिक्लेयर कर दिए कैंडिडेट्स के नाम, डिक्लेयर कर दिए, मगर अब उन्होंने क्या कर सकते। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि सिर्फ एक ही रास्ता कोर्ट का बचा हुआ है। मुझे याद है इससे पहले भी अंजुमन मेहदविया के सिलसिले में दो तीन बार कोर्ट से रुजू हुए थे, और कोर्ट से जो है जिस जो लोग दाखिल किए थे दरख्वास्त उनके फेवर में तस्वीर दिया था। अब मेरी ये पहली दरख्वास्त आप लोगों से ये है कि कोर्ट से रुजू हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लें उससे। ये जैसा उन्होंने आर ओ साहब जो है 31 अक्टूबर मैं समझता हूँ, फर्स्ट सेप्टेम्बर जो है इलेक्शन की डेट रखे हैं, वो डेट पे इलेक्शन नहीं होना, ये देखिए आप। अगर फर्ज कीजिए कोर्ट जो है सदर साहब के लिए भी जगह देता है तो उन्होंने कुछ नहीं कर सकते। अब सिर्फ नया इलेक्शन होना और नए इलेक्शन के वास्ते जो है नई तारीखें होना, तमाम कारोबार असर न शुरू होना चाहिए। ये सब बातें हैं जो आप लोग भी गौर कर सकते हैं, और मेरे दोस्त साहबाब जो है उनसे यही दरख्वास्त है मेरी कि उस पर तवज्जो दें।
वरना ये हमारा एहतजाजी जलसा जो है कोई काम नहीं आ सकता। एहतजाज तो बहुत सारी चीज़ों पे होना चाहिए। अब पहले यही कीजिए, अगर मैं सुना, दरअसल हमारे पास कम्युनिकेशन गैप है। डॉक्टर साहब की हर वो क्या हो रहे हैं, काम उनका, उनके कौन साथी है, क्या कर रहे हैं, वो मंजर आम पे नहीं आ रहा, पब्लिक में आना चाहिए, आवाम को मालूम हो, वैदर भी आवाम को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर साहब की जानिब से क्या किया जा रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, सब यही समझ रहे हैं कि डॉक्टर साहब शायद अनजान हो गए या डॉक्टर साहब दिलचस्पी नहीं लेते। ये टीवी क्या है आपका, सेलफोन के जो है ग्रुप में वो तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मौका दिया गया। मैं बहसियत हिमायती डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब, हज़रत अब्दुल वहाब इसाक़ी साहब के सामने इस बात की वजाहत करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब की जो टीम है वो पूरी मुतहर्रिक है, हर जाविये पे, हर रास्ते पे, हर जहाँ जहाँ से भी दोबारा डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब की नामजदगी को बहाल किया जा सकता है, उन तमाम रास्तों पे हम मुसलसिल जिद्दोजहद कर रहे हैं, चाहे वो अदालती हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो नुमाइंदगी के ज़रिए हो, चाहे वो दस्तूर अमल की पामाली के ख़िलाफ़ कौम में शऊर बेदारी करके हो, वो तमाम रास्तों पे हम जिद्दोजहद कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह से हमारे को पूरी उम्मीद है, और आप बुजुर्गान, आप कौम के जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों की सरपरस्ती हमको हासिल है, यकीनन अल्लाह ने अगर चाहा तो कामयाबी इंशाल्लाह हमें मिलेगी, हम पूरा दम है इस मामले में, हम यकीन है अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह हमें ज़रूर कामयाब करेगा। मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत सैयद मुसद्दक खुदमीरी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। हज़रत सैयद मुसद्दक खुदमीरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत खुश आइन बात है कि आज आपने इत्तेहाद का जो मुजाहरा किया है कौम के लिए, मुबारकबाद देता हूँ कि सब यहाँ जमा हुए हैं। ये दस्तूर की जहाँ तक बात है, जैसा अभी एक नॉमिनेशन जो पूरी तरीके से कानूनी हिसाब से बिल्कुल दुरुस्त था उसको मुस्तरद कर दिया गया, इंतहाई एक बात नहीं, या हमारे पास एक रिवायत पड़ गई है कि 2004, 2007, 2011, 2010, 2014, 2020 सभी इलेक्शन कोर्ट के नज़र हो गए, कोर्ट की वजह से हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि लोग जो शौकिया सदारत के लिए आगे आते हैं वो कुछ ना कुछ जो है बहाने बनाकर इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। अब रहा आपकी जो मसूद अली ख़ान साहब की, डॉक्टर साहब की जो नॉमिनेशन को रद्द किया गया उसके लिए हम एहतजाज के लिए आए हैं, इस मुख्तसर का मैं उसी हद तक बयान करूँगा कि ऐसे कैसी रवायत चल रहे हैं, जबकि सब कुछ सही है। मेरा अपना ये मानना है कि तीन उम्मीदवार जिस वक्त मैदान में, इन सब का मुश्तरक एक साजिश ही अमल है जो मसूद अली ख़ान साहब के नॉमिनेशन को रद्द किया गया, और ना कोई दूसरी ऐसी बात नहीं थी कि ऐसे होना चाहिए। ये मुसलसिल ऐसा होता रहा है, हमको सब मिलकर जब तक इत्तेहाद रहेंगे हम सब जो है आगे बढ़कर काम कर सकते हैं। कौम के लिए बहुत काम है, कम के ऐसे करने के हैं कि हमको आगे बढ़ाना है, कौम को आगे बढ़ाना है। हमारा स्कूल ख़त्म हो गया, हमारा कॉलेज ख़त्म हो गया, हमारा तालीमी निज़ाम बाकी नहीं रहा। इन सब के देखते हुए मैं मैदान में जब आया था तो उस वक़्त भी जो है बहुत गैर कानूनी तरीके से जो इंतखाबात हुए, लेकिन मुझे सदर बनना नहीं था, मुझे सिर्फ एक रईस अहमद कुरैशी फंड के लिए मैं हाजिर हुआ, इस मैदान में उतरा था, और अफसोस की बात है कि उसको ख़त्म कर दिया गया। ऐसा उम्मीदवार जिसके खिलाफ कई जो है शवाद देते हैं, कई सबूत हैं, जिसने गबन किया, जिसने तसरुफ किया, जिसने हमारे कौम का 7,35,000 का जो नुकसान उठाया, उसकी वजह से जो उनको रुकने मुस्तरद करना चाहिए था, लेकिन उनका नॉमिनेशन मंजूर हुआ है। ये कौन सी रिवायत है, ये कौन सा तरीका है? इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा क़यादत भी वो कुछ अच्छा ईमानदार होना ज़रूरी नहीं है, ज़िम्मेदार होना इंतहाई ज़रूरी है। किसी भी काम के लिए आपको ज़िम्मेदार होना चाहिए, ईमानदार नहीं होना चाहिए। अब रहा मसूद अली ख़ान साहब, डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब, इनका एक ख़ानदान है, विरासत में इनको खिदमत खल का मौका मिला है। मैं जनाब अब्दुल्ला खान साहब को भी देखा हूँ, और हमारे दाऊद अली खान साहब से मेरे बहुत करीबी ताल्लुक थे, वो मेरे घर आते थे यूनानी मालूमात के लिए, उन दवाखाने और कॉलेज को कैसा तरफ है। हमारे भाई तो मसूद भाई और हमारे
इब्राहिम खाताबीन पूरे ख़ानदान से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप सदारत पे आते हैं तो कौम का नक्शा बदल जाएगा, इसी तरह जैसे कि कायद मिल्लत बहादुर यार जंग और सलीम खान साहब के ज़माने में सलीम खान के ज़माने में बहुत सी जो है उनको पूरे हिंदुस्तान में हमारी शाखें थी उसको ख़त्म कर दिया गया। एक शाख बाकी थी जिसमें अभी मुनव्वर अली खान यहाँ मौजूद हैं, ये मैं गए थे पिंडियाल में इलेक्शन लड़के आए, लेकिन जब ख़तरा महसूस हुआ कि सदारत जा रही है तो उसकी अफिलिएशन डिसअफिलिएट कर दिया गया। इंतहाई मायूब बात है, हमको पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ पहले ब्रांचेज थे वहाँ पूरे ब्रांचेज में खास इंशाल्लाह वो ज़रूर मुंतखब होंगे, हुए तो इस तरफ तवज्जो देना चाहिए। हिंदुस्तान के पूरे मैदानियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना ज़रूरी है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेस्ट मीटिंग है और इसमें कुछ इससे ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जैसा मुआशरे में काफ़ी इख्तलाफ बुराइयाँ पैदा हुई हैं उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। अभी खान साहब का लॉ कॉलेज का भी एक बयान कर रहे थे, लेकिन लास्ट एक लीगल सेल हमारी अंजुमन में कायम होना चाहिए ताकि जितने भी हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं और ख़ास तौर से फैमिली की बातें हैं, जब सुबह शाम तलाक की खुला की बातें आती जा रही हैं उसको रोकना ज़रूरी है, इसमें खजात का इंतजाम करना चाहिए। मैं खान साहब से उम्मीद रखता हूँ कि वो इन बातों पर ख्याल रखें। शुक्रिया। मैं हज़रात, मरकज़ी अंजुमन महदविया का जो दस्तूर है वो एक मुक़द्दस दस्तावेज़ है जिसको हमारे असलाफ़ ने अपने हाथों से तैयार किया है कौम के मुस्तकबिल के लिए, और उसके साथ अगर खिलवाड़ मुसलसिल हो रहा है जैसा कि हज़रत मुसद्दक़ खुदमिरी साहब क़िबला ने अपने ख़िताब में फरमाया कि मुसलसिल इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर हम खामोश बैठेंगे तो आने वाली नस्लें यही बोलेंगे कि लगाकर हाथ दरख्तों को खुद ही हाथों से, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं, अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो ये नौजवान नस्ल, ये जो हमारे नौजवान बच्चे हैं, ये इनके दिलों में कौम से मोहब्बत, अंजुमन से मोहब्बत, इनको मुहिब्बाने मरकज़ी अंजुमन महदविया बनाए तक इंशाल्लाह हम चैन की सांस नहीं लेंगे। मैं अभी जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हज़रत नेमतुल्लाह खान साहब सूफ़ी से इल्तिमास करता हूँ कि वो आएँ और अपने ख़िताब से हमें महजूज़ करें। फ़ख्रुल फ़ख्रा हज़रत नेमतुल्लाह खान साहब सूफ़ी सदर तंजीम महदविया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोजिस हज़रात व फ़ख्रा अज़ाम डाइस पर तशरीफ़ फरमा हज़रात, मोजिस सामाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए क़ातिल में है। देखिए, गैर क़ानूनी, गैर दस्तूरी ये जो अमल के ज़रिए जो है हज़रत जो है डॉक्टर साहब का जो नाम निकाला गया है उसके ताल्लुक से जो हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक बात ये फ़कीर अर्ज करना चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब का नाम नहीं निकाला गया बल्कि हज़रत मकसूद अली खान साहब का भी नाम निकाला गया, मुख्तार अमीर अली खान साहब का भी नाम निकाला गया है, और बल्खी साहब का भी नाम निकाला गया है, मेरा नाम निकाला गया है, और आप सबका भी नाम निकाला गया है। हर उस कौम के शख्स का नाम निकाला गया है जो अच्छा जज्बा रखता है, जो पढ़ा लिखा है, कौम की खिदमत करने का जज्बा रखता है, उस शख्स का नाम निकाला गया है। इस वास्ते हम एहतजाज कर रहे हैं। आज डॉक्टर साहब की मुखालिफत क्यों, और एक कमाल की बात हो गई, देखिए जब डॉक्टर साहब का नाम आया तो लोग ये पूछ रहे थे कि भाई हम डॉक्टर साहब को नहीं पहचानते, कौन है क्या है, मगर सदर बनने से पहले आपकी मुखालिफत की वजह से आपका नाम बच्चे के जबान पर, हर बच्चे की जबान पर आ गया। मुखालिफतों से मेरी शख्सियत उभर दी है। एक शायर कहता है कि मुखालिफतों से मेरी शख्सियत उभरती है, दुश्मनों का मैं एहतराम करता हूं। आज हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब को जो है हर बच्चे के सामने लाकर खड़ा कर दिया और ये कहा है कि देखो एक पढ़ा लिखा शख्स आ रहा था, हमने उसको रोक दिया। और याद रख,
निशानी है। आज हम यहाँ जमा होकर ये बता रहे हैं कि कौम मेहतविया अभी मरी नहीं है बल्कि जिंदा है, और जो ज्यादती और ज्यादतियों को जो है बर्दाश्त नहीं करता वो तारीख को बदलता है। और ये जो डॉक्टर साहब की टीम है, मुख्तदर और अमीर अली खान साहब की जो टीम है, वो जुल्म और ज्यादती को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। तो यही टीम तारीख को बदल सकती है, यही टीम कौम की दोए जो बेहाली को बदल सकती है। मोहतरम समाइन, देखिए 125 साल तारीख में ऐसा गैर दस्तूरी अमल नहीं हुआ है। अगर किसी को आरओ बनाया गया तो आरओ छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज करते हुए, अपनी भाईचारगी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे को मुकाबले के लिए लाकर खड़ा किया और हर अच्छे आदमी का साथ दिए हैं। आज हमारे सामने है कि लास्ट टाइम जो इलेक्शन हुआ उसमें मोहरिक ये फकीर भी था, और उस टाइम पे 5 उगनी टीम मौजूद थी। हम फोटो भी देख चुके हैं, और मेरे पास तो ओरिजिनल फोटो है, उसकी वीडियो भी है। जिस चीज को बेस बनाया जा रहा है, वजह बनाई जा रही है, लास्ट टाइम पे जिस सदर को जो है आप चुनकर लाए, वो सदर जिस वक्त नॉमिनेशन डाल रहे थे उस वक्त 5 उगनी रूप टीम का एक आदमी तो दूर की बात, 4-5 लोग मौजूद थे। ये कितनी ज्यादा थी, अफसोस है। ये डर क्यों, ये क्यों डर रहे हो? डॉक्टर साहब के आने से क्यों डर रहे हो? तुमको अभी से इतना खौफ हो गया कि गैर दस्तूरी काम अमल कर बैठे? अफसोस की बात है। मोहतरम समाइन, देखिए इंग्लिश का गलत तर्जुमा करके और उसको जो है कुछ का कुछ बता रहे हैं, तो मुझे ये कहने पर अफसोस नहीं है कि जिनको पढ़ा लिखा बताया जा रहा है उनकी डिग्रियों को चेक किया जाए, कहीं पैसे लेके तो जो है नहीं खरीदा गया? क्या इतना तर्जुमा भी नहीं समझ सकते? अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। मोहतरम समाइन, देखिए ये फकीर जो है ज्यादा देर आपके सामने हायल नहीं रहेगा, बल्कि जो है इन चंद अशार में अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा कि इधर ही को बुलाया जा रहा है, इधर ही को बुलाया जा रहा है जहां धोखा उठाया जा रहा है, वही हमको सुनाया जा रहा है, हमें भी आजमाया जा रहा है, पसीना रुख पे आया जा रहा है, हकीकत को छुपाया जा रहा है। जब हम पूछे भाई क्या जो है कैसा आप निकाले, वो तो पसीना आ रहा चेहरे पे, पसीना रुख पे आया जा रहा है, हकीकत को छुपाया जा रहा है। नहीं बनती है बातों को, नहीं बनती है बातों की बनावट, तलफ़ुस लड़खड़ाया जा रहा है। तमाशाए कमाल है खुद फरेबी, तमाशाए कमाल है खुद फरेबी, जमाने को बताया जा रहा है कहाँ गोते लगाया जा रहा है, जहां नहीं है पानी कदम टेढ़ा उठाया जा रहा है, जबकि राह है सीधी, हाथ बर्बादी में किसका रहा है? हम बता सकते हैं बात, मगर जाने दो, मगर जाने दो। आखिरी एक शेर आपके सामने अर्ज करता हूं, उसमें तमाम बातों को जो है मैंने सिमेटने की कोशिश की है। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख लो, अखबार भी तुम्हारा है। हजरत, ये थे हजरत नेमतुल्ला खान साहब सूफी, जो अपने वलवला अंगेजी से नौजवानों के खून की हरारत में तेज़ी ला रहे थे। हजरत, ये कौम महदविया है, हम कभी ना जुल्म के आगे झुके हैं और ना कभी जुल्म के आगे रुके हैं। और एक बात याद रख ले, हक तलफी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अगर हम नबर्द आजमा नहीं होंगे तो आने वाली नस्लें हमें ज़रूर कोसेंगी। आने वाली नस्लों के कोसे से डरिए, और ये जो नाइंसाफ़ी और ये जो हक तलफी हो रही है उसके लिए एक कमरबस्ता हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं। मेरे आका हुजूर इमामना महदी माऊद अलैहिस्सलाम का फरमान है, दर इत्तेफाक नुसरत दीन अस्त, उधर निफाक हजीमत दीन अस्त। तो इत्तेफाक से हो जाएं, जुल्म के खिलाफ मुत्तफिक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, इत्तेफाक कर ले और साथ हो जाएं। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखें, और हम तमाम को अल्लाह से इस बात की उम्मीद है कि अल्लाह हमें मायूस नहीं करेगा, और
मरकजी अंजुमन मैदविया के सदारती उम्मीदवार की हैसियत से इंशाअल्लाह जनाब डॉक्टर मसूद अली खान साहब की पर्चे नामजदगी दोबारा बहाल होगी। मैं इस शेर के साथ अगले मुकर्रर को दावत देता हूँ। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, हुए मदफून दरिया ज़ेर दरिया तैरने वाले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले, तमाचे मौज के खाते थे जो बनकर गौहर निकले। मेरी मुराद जनाब असगर खान साहब से है। मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और दस्तूर अमल की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उस पर अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश करें। जनाब असगर खान साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा। मुफक्किरान कौम मैदविया, दानिश्वरान कौम, मुतवक्को उम्मीदवार सदर मोहतरम मुकाम डॉक्टर मसूद अली खान साहब, मेरे साथियों दोस्तों और मरकज़ी अंजुमन मैदविया के मुस्तकबिल के बनने वाले रुकने दवामी और नौजवान साथियों, हजरात मोहतरम, ये मेरी खुशनसीबी है, ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि उसने आज मुझे ऐसे अशख़ास के साथ डाइस पे बिठाया जिसके पैरों पर बैठकर मैंने मरकज़ी अंजुमन मदेवा का दस्तूर सीखा। '96 में मेरी उम्र जब क्या होगी, मैं मेरे मामू डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान साहब साबिक सदर मरकज़ी अंजुमन मदेविया और मेरे ताया जनाब मोहम्मद इसहाक़ खान साहब के साथ अक्सर आया करता था, तो यही चेहरों को मैं देखता था और अल्लाह का फजल है कि आज मेरे को मेरे आका शाह कासिम मुश्तदीक रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े से इन लोगों के साथ बिठाया। हजरत मोहतरम, एक जज्बा है जो मुझे अपने घर से मिला है और आप सबकी दुआओं से कुछ बोलने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। पिछले 1.5 महीने से आप लोग सब जानते हैं कि मरकज़ी अंजुमन मदेविया को लेकर एक तशवीश की लहर दौड़ रही है। बहैसियत फ़र्द कौम जो मुझे मेरे बड़ों ने तालीम दी है और जो मैंने इन लोगों से सीखा है, मैंने 2 वीडियोस सोशल मीडिया पर शेयर करे। पिछला वीडियो मेरा, उससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि मरकज़ी अंजुमन मदेविया 1320 हिजरी 1902 को क़ायम की गई थी हज़रत बंदगी मियां मियां सैयद राज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के दायरे मौला में। उसके 1446 हिजरी में 125 साल मुकम्मल हुए थे। उसमें मैंने 125 साल तारीख का एक वीडियो बनाया था जो कौम को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद पिछले 8 दिन पहले, जैसा कि मेरे ब्रदर मेरे पीर भाई हज़रत ज़बीउल्लाह साहब जो फरमाए कि 18 अगस्त को कौम मदविया के लिए एक सिया दिन था, उसके बाद मैंने फिर एक वीडियो बनाया कि डॉक्टर मसूद अली खान साहब की नॉमिनेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इल्लीगल तौर पे मनसूख किया, उस पर भी मैंने एक एहतजाजी वीडियो बनाया। और वो एहतजाजी वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी ये था कि हमारे आने वाले जनरेशन को देखिए, ये जो अशख़ास हैं ये कई अकसाम के फूल हैं और एक ये बाग है, ये चमन है, इस पर हम पानी बराबर दे रहे हैं तो ये सब जो शादाब हैं, उसके बाद की नस्ल, फिर उसके बाद की नस्ल। मेरा मकसद यही था कि मैं अंजुमन की तारीख और मौजूदा हालात को नौजवानों के सामने रखूं, क्योंकि 125 साल कबल इस मरकज़ी अंजुमन मदविया की जिन तकलीफ़ों के तहत बुनियाद डाली गई थी वो हमारी आने वाली नस्लें याद रखें कि इस तमाम 4000 चिल्लर गज़ जो मरकज़ी अंजुमन मदविया की जायदाद है उसको वफ़ किस किस ने किया वो तारीख में मुझे नज़र नहीं आया। 1984 में
वक्फ बोर्ड के तहत इसको दस्तूरी शक्ल दी गई और 1984 में वक्फ नोटिफिकेशन में मरकजी अंजुमन महदविया का एक गजट नोटिफिकेशन निकला, जिसमें सदर मोहतरम हजरत मोहम्मद खादर खान साहब और जनाब अबुल फतह सैयद जलालुद्दीन साहब दो अशखास मुतवली थे, जो 1984 का जो रिकॉर्ड है उस हिसाब से जो गजट है हमारे पास उसमें दो मुतवलियाँ हैं, जो जनाब खादर खान साहब और अबुल फतह सैयद जलालुद्दीन साहब। उसके बाद अब आइए मरकजी अंजुमन महदविया का जो दस्तूर अमल का जो जाब्ते की तकमील शुरू हुई, हकीकी दस्तूर कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मरकजी अंजुमन महदविया का शुरू होने का वक्त था 22 अगस्त 1965 से, एक्चुअल एग्जिस्ट शुरू हुआ 22 अगस्त 1965 से। उसके बाद फिर कुछ तरमीम हुई 7 नवंबर 1975, उसके बाद फिर कुछ तरमीम हुई 1 मार्च 1976। ये तरमीमात इसलिए होते थे कि उस वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए चेंजेस लाया जाता था। 1 मार्च 1976 के बाद काफ़ी तवील अरसा रहा, उस दौरान 6 फरवरी 1994 को दस्तूर में फिर तब्दीली लाई गई। 6 फरवरी 1994 का जो दस्तूर तरमीम लाई गई, अब यहाँ पर थोड़ा तवज्जो से चाहता हूँ आप लोगों से कि 6 फरवरी 1994 के दस्तूर के तहत मोहतरमुल मुखाम अली जनाब मिर्ज़ा समीउल्लाह बेग साहब मुंतखब हुए। वो तीसरे वाहिद सदर मोहतरम थे जो दौरान सदारत इंतकाल कर गए। उस दौरान जब उनकी सदारत चल रही थी तो काफ़ी अशखास यहाँ मौजूद हैं, वो लोग इसरार करते थे कि अपन दस्तूर में कुछ तरमीम लाएंगे, तो मिर्ज़ा समीउल्लाह बेग साहब भी अक्सर कहा करते थे कि इंशाल्लाह अपन इसको बराबर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे, क्योंकि तब्दीली आती जा रही है। उसके बाद मिर्ज़ा समीउल्लाह बेग साहब का अचानक इंतकाल हो गया। उसके बाद नायब सदर अव्वल मोहतरमुल मुकाम सरदार शाह मोहम्मद खान साहब का कारगुजारी का सदारत का दौर शुरू हुआ। उस वक्त के दस्तूर के हिसाब से सरदार शाह मोहम्मद खान साहब आरओ अपॉइंट करे, बहुत सारे दुश्वारियाँ हैं, वो अगर मैं बाप खोलूँगा तो पुलिस परमिशन हमारा 5 बजे तक का है, वो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं वहाँ शॉर्ट कर दे रहा हूँ कि उसके बाद 1997 में आपके सामने तीन ऐसी शख्सियतें आज मौजूद हैं इजलास में, जिन्होंने 1997 में ये जो दस्तूर है, ये दस्तूर 22 जून 1997 का है, जिसमें कौन कौन किन किन अशखास ने दस्तूर बनाया, ज़रा मैं उनका भी नामा बोल दूंगा आपको, क्योंकि क्या है मुझे मेरा तफसील बोलने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक कहावत है मैं अक्सर सुना करता था इजलासों में कि मरकजी अंजुमन महदविया से ज़्यादातर वही अशखास वाबस्ता रहते हैं जो उनके बड़े लोग जो है सो अंजुमन से कुछ काम आकर के गए। बात ऐसी नहीं है, अब लोग शऊर में आ गए हैं, लोग जानना चाहते हैं, सोसाइटी बदल रही है, लोग अपने कारोबारी मरासिम के लिए न सिर्फ कौम महदविया के दूसरे अशखास के कौमों से भी राब्ते में कायम हो चुके हैं। मैं खुद गुजरातियों के इतने करीब हूँ कि मैं भी देखता हूँ उनके कामों को, उनकी सोसाइटी के काम को देखता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ। तो इसी तरह काफ़ी नौजवान बच्चों को जो है सो हमारे बड़े क्या करें नहीं मालूम, और मैं भी इजलास शुरू होने से पहले हजरत मुहिब मिल्लत मकसूद अली खान साहब से एक मारूज़ा रखा था कि आज के इजलास में मैं एक आपसे फिर ये पूरी अवाम के सामने एक मारूज़ा रखूँगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरे वैसे कई लोग हैं उनकी ख्वाहिश है कि 2000 के बाद से एग्जिस्टिंग 2024 तक कोई खास जिसको मैं सनद मानता हूँ, जो सर्टिफाइड होता है, ख़ास कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो मैं अभी हजरत से नहीं हकीकत बात बोल रहा हूँ, हजरत सर्टिफाइड है, हजरत सेटिस्फाइड है। मैं इनके आपकी शख्सियत के बारे में आ रहा हूँ। मैं तो बहरहाल मैं अभी मकसूद अली खान साहब को कह रहा था कि भाई 2000 से 2024 तक का रिकॉर्ड ऑफिशियल कहीं भी नहीं है, सब इन्होंने बोले सो बातें हैं, एक तहरीर करिए आप ताकि मुस्तकबिल में हमारे को एक सनद हो, हम वो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट के तहत किसी से गुफ्तगू कर सकें। आज मैं ये गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ मवाद है, इजलास के बाद अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मेरे तकरीर में कुछ ऐसे अल्फाज आ गए तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। आप ये बोले हैं
कहाँ से बोले हैं, तो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दूँगा कि मैं यहाँ से बोला हूँ। तो मैं इसी तरह जैसे मकसूद भाई को ये बोला कि 2000 से 2024 तक का मटेरियल प्लीज़ एक बुक की शक्ल में दे दीजिए, कौम को मुस्तकबिल में बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के हालात तस्वुर भी नहीं कर सकते अपन। तो खैर बहरहाल 1997 में सरदार शाह मोहम्मद खान साहब ने एक दस्तूर अमल की कमेटी तश्कील दी। उस कमेटी के कन्वीनर, ये आपकी हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि 1997 के दस्तूर के कन्वीनर हज़रत सादिक मोहम्मद खान साहब को अल्लाह बख़्द हयात रखे, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, आज वो इस महफिल में आए हैं। वो आज इस महफिल में अपनी तबीयत की ख़राब रखने के बावजूद क्यों आए हैं? क्योंकि कौम की फ़िक्र है, मुस्तकबिल कौम का क्या होगा उसकी फ़िक्र है, इसलिए इसकी सेहत ख़राब होने के बावजूद भी आज आए हैं। मैं उनके अफराद ख़ानदान को, ख़ास तौर पर उनके भांजों को, दामादों को और फर्जंदों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज के इस महफिल में आपको शिरकत करने के लिए मोटिवेट किया। तो उस वक्त 1997 में जो दस्तूर की कमेटी बनी थी, उसे कन्वीनर हज़रत सादिक मोहम्मद खान साहब थे, और उसमें आप सुनिए कैसे कैसे अशखास थे, आप नामा सुनते समझ जाएंगे कि क्या मुस्तकबिल बना रहे होंगे वो लोग। सबसे पहली शख्सियत थी हज़रत पीर मुर्शद मौलाना सैयद अतन शाह साहब महदेवी अल रहमा। दूसरी अजीम शख्सियत थी जनाब डॉक्टर मोहम्मद महबूब अली खान साहब। तीसरी अजीम शख्सियत थी जनाब डॉक्टर मोहम्मद महबूब खान साहब। चौथी अजीम शख्सियत थी जनाब सैयद अली अकबर साहब। पाँचवीं अजीम शख्सियत थी जनाब सैयद जैन लाबिदीन साहब अल रहमा। उसके बाद जनाब सरदार अली खान साहब। उसके बाद जनाब सैयद मुनव्वर अकबर हुसैनी साहब। जनाब सैयद बाखर मंजूर अल रहमा साहब। जनाब सैयद अब्दुल वहाब इसाकी साहब, वो भी आज हमारे सामने मौजूद हैं। अभी हमको जो तकरीर कर रहे थे वो भी उस वक्त 97 में दस्तूर बनाने कमेटी में थे। उसके बाद जनाब फयाज़ अली खान साहब अल रहमा। उसके बाद जनाब शेख चांद साजी साहब, वो भी जो है सो मौजूद हैं, मगर किसी दूसरे इदारे के वो सदर हैं तो हम उनको कुछ फोर्स नहीं कर सके। उसके बाद जनाब मोहम्मद महमूद हसन खान सूफी साहब, उनकी तबीयत ख़राब है, वो भी बख़द हयात हैं। उसके बाद मुहिब मिल्लत हज़रत मकसूद अली खान साहब। उसके बाद जनाब मोहम्मद इसा खान साहब अल रहमा। जनाब सैयद बाखर साहब अल रहमा। जनाब सैयद याकूब रोशन यदुल्ला साहब अल रहमा। और कन्वीनर मोतमद मोमिन सादिक मोहम्मद साहब हजरत आज ये मौजूद हैं हमारे सामने। तो ये थी 1997 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कैसे कैसे अशखास बैठ के बनाए थे। अब आइए एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन पे आ रहा हूँ मैं। एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन जो 29 मई 2022 को बना, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन 29 मई 2022 को बना, तू इनकलाब के आमद का इंतजार ना कर, तू इनकलाब के आमद का इंतजार ना कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। अब आ रही बात 2022 की, जब नए दस्तूरुल अमल की जो है सो कार्रवाई शुरू हो रही थी। ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है मेरे मालिक का। ये इत्तेफाक होते हैं थोड़ी चीज़ा, इसके लिए समझना ज़रूरी होता है। 29 मई 2022 का इजलास, ये देखिए मरकजी अंजुमन महदविया का इस तरह का मुरासला हमको आता है कि भाई एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पे काम करना है, यू प्लीज अटेंड द मीटिंग विदाउट फेल। मोहम्मद असगर खान, ये मेरे को 2022 में आया था। उसके बाद मैंने फ़ोन किया मरकजी अंजुमन महदविया के दफ्तर को, करके बोला मोहतरम उमूमी साहब को कि हज़रत मैं जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ, आप इत्तलानामे के साथ एक मसवदा दस्तूरुल अमल का भी रवाना करें तो मुनासिब होता था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अमेंड करना है हम तैयारी करके आते हैं। तो उन्होंने बोले अभी उस पर काम चल रहा, आप जो है सो आ जाइए, आपको मिल जाएगा। ओवरऑल वो जो हिसाब से गुफ्तगू करना था करे। तो ये अब मैं जो बता रहा था आपको कि एक हसीन इत्तेफाक, हसीन इत्तेफाक ये था, हसीन इत्तेफाक ये था कि उस वक्त जो दस्तूर अमल पे काम हो रहा था, मैं मोहम्मद असगर खान एक तहरीक पेश करा
ये तहरीक का एक्नॉलेजमेंट है मेरे पास, मरकजी अंजुमन महजर का स्टैम्प है, मोतमद उमूमी जनाब डॉक्टर सैयद नेमतुल्ला साहब के दस्तखत हैं। ये मैं उनको खत दिया था 17 मई 2022 को। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के इससे पहले मैंने उनको एक मुरासला बनफ्से नफीस दिया, उन्हें एक्नॉलेजमेंट करे। उसमें मैं क्या लिख रहा हूँ देखिए आप। अस्सलाम वालेकुम, बख़िदमत शरीफ जनाब सैयद नेमतुल्ला साहब, मोतमद उमूमी, मरकज़ी महदविया, चंचलोड़ा, हैदराबाद। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मोहतरमुल मुकाम हज़रत पीर मुर्शिद मौलाना अलाज मोहम्मद शहाबुद्दीन काशिफ मियाँ साहब क़िबला, सदर मरकज़ी महदविया और उनके काबीना व इंतज़ामी को दिली गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि मरकज़ी महदविया के दस्तूर अमल में दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। आपने एक ऐलान जारी किया मौर्ख 9 मई 2022 को, जिसके तहत आपने सिफारिशात व तहरीकात पेश करने का इस्तेदवा किया। एक पोस्टर लगा था, उसमें आपके पास कुछ भी है तो आप पेश करने के लिए, तो मैं ये तहरीक पेश किया था। उसमें बहुत सारे मेरे पॉइंट्स थे, मगर अब अहम एक जो अपने को ज़रूरत है आज की, अपने को जो ज़रूरत है आज की, वो भी मैं तहरीक पेश करा था कि दफ़ा आठ मरकज़ी अंजुमन महदविया पूरा अब दफ़ा आठ के अतराफ में फिर रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन में मरकज़ी अंजुमन महदविया दफ़ा आठ के अतराफ में फिर रहा है। 2 साल कबल इन लोगों की सोबत का नतीजा था कि असगर खान दस्तूर दफ़ा आठ के ताल्लुक से जो है सो उनको तहरीक पेश कर दिया। उसमें क्या है, हजफ दफ़ा रुकनीत, दफ़ा 8(n) मजलिस इंतज़ामी मामूलन सदारती इंतखाबात से कम अज़ कम 6 माह कबल रिटर्निंग आफिसर नामजद करेगी, रिटर्निंग आफिसर के नामजदगी के साथ साथ 1/5 रुकनी इंतखाबी कमेटी की भी तश्कील करेगी, और यह कमेटी मीखात के अख्ताम से कबल अदम तकमील इंतखाबात की सूरत में सदर व रिटर्निंग आफिसर से तमाम इख्तियार हासिल कर लेगी। उन्हें इस कमेटी पर लाजिम होगा कि वह अंदरूनी 45 जोन इंतखाबात की तकमील करवाएँ। ये तमाम अशखास के पास, सोशल मीडिया के पास, न सिर्फ कौम महदविया के पास बल्कि अग़ियार के पास भी ये मैसेजेस चले गए कि सेक्शन 8(n) के तहत ये कौम महदविया में एक मसला चल रहा है। तो मैंने तजवीज़ क्या रखी थी उस पर गौर से सुनिए। तजवीज़ ये थी कि रुकनियत दफ़ा 8 तजवीज़ (n) के तहत मजलिस इंतज़ामी मामूलन सदारती इंतखाबात से कम अज़ कम 6 माह कबल रिटर्निंग आफिसर नामजद करेगी, और इसी के साथ कौम के तजुर्बेकार और दानिशवान अफराद पर मुश्तमिल एक 5 रुकनी कमेटी भी तश्कील देगी, और यह कमेटी रिटर्निंग आफिसर के जानिब से तारीख इंतखाबात से 15 दिन कबल सदर से अहदे सदारत का जायज़ा लाजम ले लेगी। समझ गया, और सिर्फ रोज़मर्रा के उमूर अंजाम दे सकेगी, एंड मीखात के अख्ताम से कबल अदन तकमील की इंतखाबात की सूरत में रिटर्निंग आफिसर से भी इख्तियार हासिल कर लेगी, और कमेटी पर लाजिम होगा कि अंदरूनी 14 यौम इंतखाबात की तकमील करवाएं। तो मैं जो प्रपोजल दिया था उसमें यह था कि प्रेसिडेंट से पूरे पावर ले लेना चाहिए। फिर उसमें एक एडिशन भी कर रहा था मैं कि सदर पर लाजिम होगा, बोल आयन था अब लाम भी लाया था मैं इजाफा, सदर पर लाजिम होगा कि रिटर्निंग आफिसर की जानिब से तारीख इंतखाबात से 15 दिन कबल 5 रुकनी इंतखाबी कमेटी को लाजमन अपने अहदे का जायजा देकर सबकदोश हो जाएं, और किसी भी सूरत में सदर को अपने अहदे पर बरकरार रहने का कोई हक हासिल नहीं रहेगा। ये मैं तजवीज़ पेश करा था। अब उसके बाद हुआ ये कि इजलास जो 22 मई को होना था वो अदम तकमील के बाद जो है सो फिर 28 को मेरे ख्याल से हुआ, 29 को हुआ। अब 29 तारीख का वो मंज़र याद करिए, 29 में मैं मुहिब-ए-मिल्लत मुहिब-ए-कौम हज़रत ज़बीउल्लाह साहब मुसद्दिक़ उमरी साहब खादिम भाई का नहीं शायद मेरे याद नहीं है और ऐसे कई अशखास मैं समझता हूँ सामने बैठे होंगे। हमारी जो है सो एक तजवीज़ ये थी कि भाई आपका कोरम तकमील नहीं है, 2022 में
मरकजी अंजुमन अहमदविया की लाइक मेंबर्स की ऑफिशियल तदाद 1192 थी, तो उस हिसाब से हमारे को 240 मेंबर्स लाइक मेंबर्स होना था तो दस्तूर में हम काम कर सकते थे। 240 लाइक मेंबर्स जलसे इजलास में नहीं थे तो हम ये बोले कि भाई अगर आप दस्तूर में तरमीम करेंगे तो इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि 240 मेंबर्स होना लाजमी है। उस वक्त तादाद थी 189, तो ऑलमोस्ट नियरली 60 मेंबर्स का शॉर्ट था। तो हम इसरार कर रहे थे कि भाई आप दस्तूर में तरमीम ना करें, बहुत मसले मसाइल थे। उसके बाद हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया। उसके बाद दस्तूर में जो तरमीम हुई, जो 97 का दस्तूर है, अब ये 2022 का दस्तूर है, वो दस्तूर में, ये दस्तूर में सिर्फ और सिर्फ 5 नुकात को तब्दील किया गया। 97 के कॉन्स्टिट्यूशन को और 2022 में सिर्फ 5 सेक्शंस में अप एंड डाउन्स में, बाकी का कोई दस्तूर को हाथ नहीं लगाया गया। जिसमें एक तब्दीली ये है कि 3 साल की मियाद 4 साल, 3 महीने का जो है सो टाइम ग्रेस पीरियड फॉर रिटर्निंग ऑफिसर उसको 6 मंथ्स, और 20 रुपये को जो है सो 250 रुपये आम मेंबर के लिए, और रुकने दवामी के 400 को 1000। ये बड़े इश्यूज यही हैं, इससे ज़्यादा जो है सो कुछ तब्दीलियाँ नहीं आए। हाँ, उसके बाद एक सेक्शन 21, शुक्रिया बशीर बुखारी साहब, सेक्शन 21 में ये था कि मरकज़ी अंजुमन अहमदविया की जायदाद किसी दूसरे इदारे को ना दी जाएगी। अब मैं बात अपनी ख़त्म करते हुए आगे बढ़ता हूँ कि अब आइए अपन अहम मौजू पे आएंगे कि ये सबसे पहला ऐलान 17 फरवरी 2024 को निकला, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई रोग बैरूनी ममालिक गुजर रहे जा रहे हैं, कोई गुजर गए हैं, या कोई पलट चुके हैं कौम से, तो आप रुजू हों। अब हो सकता कोई लोग रुजू हुए, कोई लोग रुजू नहीं हुए, तो उसके बाद इदारे का काम यह है कि 17 फरवरी 2024 को जब नोटिफिकेशन निकल जाता, जो भी उनके पास मवाद हासिल हो जाता, उसके बाद एक इजलास से आम तलब करना चाहिए, एक इजलास से आम तलब करना चाहिए, वो नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएट 27 मार्च को आर ओ अपॉइंट हुआ और 5 मेंबर्स कमेटी अपॉइंट हो गई। उसके बाद कोर्ट कचहरियाँ शुरू हुए, जो काम आपको मार्च में करना था, लिस्ट में जो भी मॉडिफिकेशंस करना था, आप जो ऐलान निकाले थे उसके बाद ही करना था, इजलास से हमें मंजूरी लेना था, आप वो सब नहीं लिए। फिर बाद में लोग कोर्ट को गए, क्या बेस पे गए, इसी मौजू को लेके गए कि मेंबरशिपों को नहीं निकाले, वो करें करे ऐसा नहीं करे। तो ये सब एक कहानी है, बोलना तो नहीं चाहिए था। अब आइए अहम बात करते हैं, अपनी बात ख़त्म करना जा रहा हूँ मैं। 1951 और 53 में पहली बार 5 रुकनी कमेटी का अहम रोल है। 5 रुकनी कमेटी, उस वक्त प्रॉब्लम हुआ था, 5 रुकनी कमेटी डिसीजन ली, इलेक्शन करवाई, और आपके दादा नवाब सफदर अली खान साहब के दादा नवाब अजीज अहमद खान साहब अले रहमा उस 5 रुकनी कमेटी के इलेक्शन पर मुंतखब हुए थे। मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि उस वक्त बहुत ज़बरदस्त काम हुआ था। उसके बाद 5 रुकनी कमेटी का जो है सो एक तसलसल चलता रहा। फिर 97 के दस्तूर में एक 5 रुकनी कमेटी को ऐड किया गया तब्दील लाकर। अब देखिए, मजलिस इंतजामी मामला सदारती इंतखाबात से कम अज़ कम 6 माह, अभी तो मैं पढ़ लिया हूँ, तो इस हिसाब से अगर वो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं तो 45 डेज में उन्होंने इलेक्शन कराना है, आर ओ साहब सदर साहब चले जाना, आर ओ साहब चार्ज ले लेना, वो नहीं हुआ। अब डॉक्टर मसूद अली खान साहब का कैंडिडेचर को, नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया गया है। पर्चे नामजदगी बराए सदर के लिए एक मुहर्रिक और 2 मुईद के दस्तखत और खुद उम्मीदवार के इजहार आमदगी ज़रूरी होगा। अहदे सदारत के हर उम्मीदवार पर मुबलिक 10,000 रुपये ज़ेर ज़मानत दाखिल करना लाजमी होगा। अगर किसी उम्मीदवार सदारत का जुमले डाले गए वोट 20%, ये भी रिजेक्शन में एक पॉइंट रखे, जबकि इससे डॉक्टर मसूद अली खान साहब की नॉमिनेशन पर कोई वायलेशन नहीं है। दूसरा वायलेशन बता रहे हैं ये लोग कि कोई रुकन एक से ज़्यादा उम्मीदवार की तहरीक को तायद नहीं कर सकेगा। कोई रुकन मीन्स 1500 मेंबर्स, अब जो प्रेजेंट मेंबर्स है वो मैं असगर खान किसी एक ही शख्सियत की तायद या मुईद बनूंगा और अल्टरनेट सेकेंड पर्सन की नहीं बनूंगा।
एंड 5 मेंबर्स कमेटी किसी भी उम्मीदवार सदारत का मुहिदो मुरिक नहीं बनेगा। 1500 में आई एम ऑल्सो देयर एंड 5 मेंबर्स कमेटी ऑल्सो देयर। अगर कोई 5 रुकनी कमेटी का कोई मेंबर दस्तखत करता है तो वो नॉमिनेशन इनका खुद ब खुद रिजेक्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से सेक्शन 14 का ना है ना वो किसी का कहीं भी वायलेशन नहीं है। बेस क्या बनाया गया? बेस ये बनाया गया कि मेरे तायरे भाई, कई लोगों को मालूम हो सकता होगा या नहीं मालूम, मोहम्मद खलील खान साहब मेरे तायरे भाई हैं और मेरे बहन भाई भी हैं और नवाब मजहर अली खान साहब के अच्छे दोस्त हैं। खलील खान साहब की उस वक्त मौजूदगी का एक बेस बना किए। और ये अल्लाह की मसलियत, देखिए साहब जो हक पे होता है अल्लाह उसको कैसा साथ देता है। कल सोशल मीडिया पे फिर एक फ़ोटो और एक वीडियो वायरल होगा कि 2020 में जो नॉमिनेशन डाला गया था, यहाँ तो 5 रुकनी कमेटी के खाली खलील खान साहब थे, उसमें तो पूरे 5 लोग थे। फिर जब दस्तूर का जो है सो आपको जो है सो ख्याल नहीं आया, आज अचानक आपको ख्याल आ गया। तो बहरहाल मैं आरओ साहब से पुरखलूस गुजारिश करता हूँ कि अभी भी बहुत कुछ वक्त है, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। आप जो डॉक्टर मसूद अली खान साहब के नॉमिनेशन को रिजेक्ट करे हैं वो आप वापस ले लें। और मेरी आपसे, क्योंकि आपकी एक शख्सियत बहुत अजीम है, आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप बहसियत आरओ इस्तीफ़ा दे दें और 45 दिन के अंदर 5 रुकनी कमेटी को इख्तियार दे दें कि वो इलेक्शन कराएं। सोशल मीडिया पे एक और एक वायरल वीडियो जो ऑडियो चल रहा है, तहरीर चल रही है कि कोर्ट को क्यों जाना, हम ये मसला घर में हल कर सकते हैं। 2000 में भी इसी तरह का प्रॉब्लम हुआ था। हजरत सैयद अब्दुल वहाब इसाकी साहब अलैहि रहमा, सॉरी हजरत सैयद अब्दुल वहाब इसाकी साहब और उनके साथ ही महमूद हसन खान सूफी साहब, मैं समझता हूँ और कोई लोग थे, वो लोग कमिश्नर अपॉइंट करवाए, यही मसले मसाइल हो रहे थे। तो यानी कोर्ट कचहरी पहले से चल रही, आज कोई नई नहीं है। जो हमारे को ये बार बार बोला जा रहा है कि आप लोग कोर्ट कचहरी मत जाए, कोर्ट कचहरी ऑलरेडी 97-96 से चल रही है। हमारे को यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो जाहिर बात है हम दस्तखत हम जैसे अदालतों को देंगे। तो आज हमारे सामने मौजूद है कि आपकी नुमाइंदगी पर रिसीवर अपॉइंट हुआ और इलेक्शन हुआ। हो सकता कि मंगल को हमारे लिए, कौमी मदविया के लिए, हम सब के लिए, जो डॉक्टर साहब की टीम काम कर रही है, एक बहुत बड़ा अजीम दिन है। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि उस दिन हमारे को कामयाबी मिलेंगी इंशाल्लाह, तो हम फिर मैदान में आएंगे। एक आखिरी बात कहते हुए उठाया था, सूर्यलोक कॉम्प्लेक्स में 2 फ्लैट्स थे, मलगी नंबर 108 और मलगी नंबर 109, जो वक्फ की गई थी उसको फरोख कर दिया गया। तो हम बहुत शिद्दत से मुखालिफत कर रहे थे, तो उस वक्त इजलास में यह बोला गया कि प्रोसीडिंग नहीं है, कई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई वो वक्फ की है, वो लोग दे दिए हैं उसी तरह से, वो मकसद के तहत काम कर रहे हैं। ये मरकजी अंजुमन अहमदिया की तारीख हिस्ट्री की जो बुक है, जो हज़रत मकसूद अली खान साहब लिखे हैं, उसमें यह लिखे हुआ है कि जिद्दा में मुखीम भाइयों ने सूर्यालोक कॉम्प्लेक्स नस्त ऑल साइंस हाई स्कूल में 2 फ्लैट्स नंबर 108 और 109 खरीद कर मदरसे उफ़दुल कुरान के लिए वक्फ करते हैं। ये मकसूद अली खान साहब की किताब में। उसके बाद उसके बाद 2004 में मकसूद अली खान साहब की रिपोर्ट में ये लिखे हुआ है, सॉरी महमूद हसन खान सूफी साहब मोहतमद उमूमी की रिपोर्ट में ये लिखे हुआ है कि मरकजी अंजुमन अहमदिया के ज़ेर एहतमाम चलाए जाने वाले मदरसे फ़ज़ल कुरान के कॉम्प्लेक्स को नौजवानों ने वक्फ किया था। फिर उसके बाद सैयद याकूब शमीम साहब ने अपनी मोतमदी की रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये सूर्यालोक कॉम्प्लेक्स से मलगिया जिद्दा के नौजवानों ने वक्फ किया था। तो उस हिसाब से बहुत सारे वायलेशंस हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मजाक की तरह खेला जा रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर मसूद अली खान साहब की मंगल के दिन, मैं ख़ास तौर पे नौजवानों से और मेरे बुज़ुर्गों से अदबन मुल्तवीस हूँ, खुदारा मैं आज के इस एहतजाजी जलसे के मेरे डाइस पे तशरीफ़ फरमा मेरे तमाम बुजुर्गान दिन जो के मुफक्किरान कौम महदविया हैं, जिनको देखकर हमने मरकज़ी अंजुमन अहमदिया के सुबह और शाम देखे हैं,
और मेरी तरह के मेरे नौजवान कई और मेरे बच्चे, उन सब से गुजारिश है कि मंगल के दिन कोर्ट में हमारी केस की हियरिंग है, आप तमाम से आप मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि खुदारा अपनी इबादतों में जो आपकी रोज़मर्रा की इबादतें हैं, चाहे वो नमाज हो जिक्र हो, वो इबादतों में दुआ करें कि मरकज़ी अंजुमन महदविया का मुस्तकबिल को जो है सो आने वाले मुस्तकबिल का सवाल मसला मंगल के दिन हल होने वाला है। दुआ फरमाइए कि डॉक्टर मसूद अली खान साहब के हक़ में फ़ैसला हो इंशाल्लाह ताला। हज़रात मोहतरम, वक्त काफ़ी हो जा रहा है क्योंकि बाद में एक बड़ा लेक्चर आने वाला है, आपको बोलना ज़रूरी है क्योंकि हम डेढ़ दो महीने से मसाइल में मुफ्तला हैं। एक जो टीम आ रही थी, इट इज़ ए फैक्ट सर, इट इज़ ए फैक्ट, प्लीज़ लिसन टू माई वर्ड्स। एक टीम आ रही थी 2024 125 सौ तारीख में 25वां सदर एक ऐसी टीम को लेके आ रहा था, अल्लाह माफ़ करे कि मरकज़ी उन्होंने महदविया का पूरा मुस्तकबिल का जो दारोमदार है, आने वाली नस्लों का दारोमदार है, कोशिश ये की जा रही थी कि चार साल में उसे मुकम्मिल कर दिया जाए। मैं ब्रदर मुख्तदर अमीर खान साहब की, मैं मेरे भाई मुख्तदर अमीर खान साहब से दिल की गहराइयों से उनके जज्बात को सलाम करता हूं। आपने जो मिशन लेके निकला था, आपका जो मिशन था, यकीन मानिए अल्लाह गवाह है, हमारे रातों में, देखिए सर हम भी मसरूफ़ हैं, कारोबार वाले हैं, मुख्तदर अमीर खान साहब भी बहुत मसरूफ़ हैं, कारोबार वाले हैं, उसके बावजूद भी हमारी नज़र हमारे मुस्तकबिल हमारी कौम पर थी, तो हम लोगों ने एक बेहतरीन प्लान बनाया था कौन से शोबों में कौन सा आदमी काम कर सकता है। हम वो टीम पूरी तैयार कर चुके थे, मेरे फ़ोन में पूरी टीम हमारी फ्यूचर की थी, मेरे फ़ोन में पूरी टीम हमारी फ्यूचर की थी कि हम मरकज़ी अंजुमन महदविया को, अल्लाह ना का माफ़ करे मैं अगर बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो आसमानों की बुलंदियों पर ले जाने वाले थे, ये हकीकत बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला डॉक्टर मसूद अली खान साहब के जो इंतखाबी जलसे होंगे उसमें बहुत अंदाज से बोलेंगे, जो हमारे प्रोग्राम से वो पूरे सामने रखेंगे आपसे, कि बहुत बड़ा काम होने वाला था। मैं मोहतरम मेरे ब्रदर मुख्तदर अमीर खान साहब की का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो मुस्तकबिल संवारने के लिए, आप जो खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब जो हमारे मुस्तक आबाद के एक ऐसी अजीम शख्सियत है, जो आपके जज्बे को देखकर, आपके जज्बे को देखकर, खान ब्रादरी के जज्बे को देखकर, मेरे भाई मोहतरम खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब पिछले दो मियादों से मरकज़ी अंजुमन महदविया की सदारत के लिए मैदान में आ रहे थे। दो बार भी मोहतरम सैयद खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब को रोका गया। एहतराम मुर्शिद में मेरे मुसद्दक़ाबाद के एक अजीम शख्सियत, जिन्होंने कौम महदविया को दो कॉलेजा दिए, एक सैयद खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब के अखलाक हैं कि उन्होंने एहतराम मुर्शिदी में अपने आप को दूर रखा और इस बार पूरा जहन बना चुके थे, लेकिन जैसा ही डॉक्टर मसूद अली खान साहब का नाम मैदान में आया तो खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब ने कहा कि नहीं, एक काम करेंगे, फ्यूचर में मिलके काम करेंगे, चाहे वो डॉक्टर मसूद अली खान हो चाहे मैं हो, दोनों में जो कोई भी मुंतखब होंगे तो बात हमारी एक ही है। तो मैं आज के इस प्लेटफॉर्म से, ये एहतजाज जलसे से, जब मौरिख तारीख लिखेगा तो वो ये भी लिखे कि मुसद्दक़ाबाद के रूह रवा मोहतरमुल मुकाम अली जनाब सैयद खुर्शीद हुसैन बल्खी साहब ने जो अखलाक का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है, और उन्होंने एक कौम को एकजुट करने की कोशिश की है, हालांकि उन पर भी काफ़ी प्रेशर्स थे, उसके बावजूद भी कौम का मुस्तकबिल को नज़र रखते हुए उन्होंने अपनी उम्मीदवारी जनाब डॉक्टर मसूद अली खान साहब के हक़ में जो है सबकदोश कर दी। उसके बाद डॉक्टर मसूद अली खान साहब का जो नॉमिनेशन रिजेक्ट किया गया। एक हमारे मुसद्दक़ाबाद की अजीम शख्सियत हैं जनाब मोहम्मद अरशद साहब, उनका भी जो है नॉमिनेशन क्यों रिजेक्ट किया गया मेरे ख्याल से उनको भी पता नहीं। और एक कौम की शख्सियत जो कौम महदविया को हमेशा जगा रखती है वो सैयद राज मोहम्मद अशवाक साहब, जिन्होंने मिलाद महदी सलाम और मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम खुलफा राशिदीन के उर्स करते हैं, वो ऐसी शख्सियत को जो है सो रिजेक्ट कर दिए। इलेक्शन लड़ने देना था, जीत हार अल्लाह के हाथ में है, आप जो है सो किसी शख्सियत को जो है सो ऐसा नहीं करना था। और हमारी कौम की ऐसी अजीम शख्सियत और एक यहाँ दाइस पर बैठी हुई है, जिसका जुनून की इंतहा ये है कि वो टू व्हीलर पे हमारे खुलफा राशिदीन हज़रत बंदगी मियाँ सैयद महमूद सानी मदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम बुजुर्गाने दीन जो इमाम अली अलैहिस्सलाम के खुलफा थे मोटरसाइकिल पे ज़ियारत कर चुके हैं। जनाब सैयद अब्दुल खादर जिलानी साहब को कौम का इतना जज्बा है, जनाब सैयद अब्दुल खादर साहब जिलानी साहब को इतना कौम का जज्बा है
कि उनके भाई डॉक्टर मसूद अली खान साहब के नॉमिनेशन की मनसूखी पर, यह हकीकत सुना रहा हूँ मैं, डॉक्टर मसूद अली खान साहब के नॉमिनेशन की मनसूखी पर अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, अत्थर मदी साहब वापस आ गए। चाहते तो वो अपनी फैमिली के साथ पूरी लाइफ एंजॉय कर सकते 6 महीने तक, उनका वीज़ा वैलिड 6 मंथ तक था, स्टे उनको 6 मंथ तक मिला था, जैसा ये सुनेंगे वापस आ गए। और आज के इस एहतजाज में हफ्शीगुड़े से एक नुमाइंदगी करते हुए, देखिए आप ये जो देख रहे हैं आप, ये जितने काले कपड़े पहने हुए हैं ये पूरी हफ्शीगुड़े की नुमाइंदगी। जिलानी भाई आपको सलाम, आपने जो आज की तारीख अंजुमन महदविया की जो तारीख में जो लिखे जाएगा उसमें आपने अपना नाम बड़ा बेहतरीन रोशन कर दिया, बेहतरीन। स्टैंडिंग ओवेशन प्लीज। भाई भाई भाई, गैर दस्तूरी और गैर मियारी हरकत हमें नहीं करना है, सीटियाँ बजाना बिल्कुल नहीं है। ये मोहजिदीन मोहजिब लोगों की तकरीब है, ये मोहजिब लोगों का जलसा है, ये इसमें सीटियाँ वगैरह बजा के इसकी तहजीब को ख़राब नहीं करना है। तो हजरात मोहतरम, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर मसूद अली खान साहब के साथ कैसी शख्सियत आ रही वाबस्ता थे, मुस्तकबिल में 4 साल कौन सी शख्सियत कौन से काम में माहिर है, वो टीम पूरी तैयार कर दी गई थी, पूरी टीम तैयार कर दी गई थी, अल्लाह रा पूरी टीम को ख़त्म कर दिए। मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए एक शेर पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि इनकलाब सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, इनकलाब सुबह की कुछ कम नहीं ये भी दलील, पत्थरों को दे रहे हैं आईना खुल कर जवाब। मैं मोजिज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूं और डॉक्टर मसूद अली खान साहब का शुक्रिया और तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं एक मौका मिला कुछ तकरीर करने का, क्योंकि एक शौक़ है दस्तूर-ए-अमल को जो याद रखने का। तो बहर कहीं भी इस दौरान में मेरे से कहीं कुछ ज़ेर या ज़बर कुछ हो गया तो वास्ते अल्लाह के मेरा बोला चला माफ़ करिए, शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। एक जामे और तफसीली रिपोर्ट दरकार थी ये नौजवान नस्ल को अंजुमन की तारीख से वाकिफ करवाने के लिए, जो आपने तफसीलात पेश किए हैं वो तफसीलात वक्त की अहम ज़रूरत थी। दिल की अमीर गहराइयों से मुफक्किराने कौम महदविया आपका इस्तकबाल करती है, आपकी रिपोर्ट का इस्तकबाल करती है जनाब असगर खान साहब। मैं ये नौजवानों की नज़र अल्लामा इकबाल के वो शेर करूँगा, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हो सदियां गुजर गई, सजदे से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा लुट गया रहजन के हाथ से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर, हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में। ख़ास तौर पर ये शेर जो है वो मुख्तदर अमीर अली खान साहब की मैं नज़र करूँगा ये शेर, क्योंकि जो सारा ये मामला है कौम समझ सकती है वो किसकी अदावत में किसके हसद में वो हो रहा है, ये कौम पूरी अच्छी तरह समझ सकती है। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, उस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर, करके सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, करके सवार ऊँट पे अपने ग़ुलाम को, पैदल ही कुछ चले वो आका तलाश कर, पैदल ही कुछ चले वो आका तलाश कर। हजरात, मैं इस जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब आपके सामने कौम के वो नायाब गौहर को पेश कर रहा हूँ, कौम का वो नायाब गौहर जिसको तंजीम महदविया ने गौहर एक कौम का खिताब दिया है, जिसके अंदर एक ईमानी हरारत है, जिसके अंदर जिसके अल्फाज में मेयार है, जिसके अल्फाज के इंतखाब में तहजीब और तमद्दुन झलकती है। मैं इस शेर के साथ उस नौजवान को दावत खिताब दे रहा हूँ, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, और जिसके जवानों की उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। मेरी मुराद मुख्तदर अमीर अली खान साहब गौहर कौम से है, वो तशरीफ़ लाए और कौम को तमाम हकायक से वाकिफ कराए। जनाब मुख्तदर अमीर अली खान साहब गौहर कौम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा जो शख्सियात हैं
उसूलन होना तो ये चाहिए था मुझे सबसे पहले ख़िताब करना था इस फेरिस्ट में, लेकिन मकसद ये था कि एक प्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को दिखाना है, तो सिर्फ उस वजह से मैं आखिर में बात कर रहा हूँ। मैं सोहेब मेहदी खान साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, वो जहाँ कहीं भी हैं हॉल के अंदर आए, प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। जब तक असगर भाई कोई मामला सुलझा रहे हैं, मैं आज से कई साल पहले, मैं समझता हूँ 2003-2004 में जब अमेरिका में एक तालिब इल्म की हैसियत से अपना ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन ख़त्म कर रहा था, तो पब्लिक स्पीकिंग मेरी एक क्लास थी, तो उस क्लास में बिलखसूस कहा गया था कि कभी जब आप किसी जलसगाह में हैं, कोई इवेंट में हैं, तो उस वक्त पर बात मत कीजिए जब लोग खाना खा रहे हैं। तो मेरी बारी आई है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की हलीम तकमील पर पहुंच चुकी है, अभी मेरी बारी आई है, कुछ मेरे भाई खा रहे हैं, अभी मुस्कुरा कर देख भी रहे हैं मुझको। और जब तक ये शुरू होता है, एक और सूरत हाल आपके पेश नज़र करता हूँ। आज हम ये जो पुरअमन इजलास कर रहे हैं एहतजाजी, इसको रोकने के लिए शिद्दत से कोशिश की गई है कल आधी रात तक। तो एक शेर मेरे जहन से गुजरा जो मैं समझता हूँ आप सबके कानों से भी गुजरा है कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो क्या गम है जिसे छुपा रहे हो। उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली करूँगा क्योंकि जो शिद्दत से कोशिश हो रही थी तो मेरे जहन से बात गुजरी है कि शेर तो आपके जहन से गुजरा है कि इतना जो घबरा रहे हो वो क्या राज है जिन्हें छुपा रहे हो। तो ये सोचने पर मैं मजबूर हो गया हूँ, खैर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला आगे खुलासे और होंगे। और कहा भी ये जा रहा था कि इजलास से क्या होने वाला है, कोर्ट को जाने से क्या होने वाला है, हमने काम इतना पक्का किया है, कार्रवाई इस मुकाम तक पहुँचा दी है, कुछ नहीं होने वाला। तो नौजवानों जो मेरे दाएं हाथ पर बैठे हैं, तुम लोगों के लिए एक छोटा सा वाकया सुनाकर प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ता हूँ। मैं किताब में मेरी नज़रों से गुजरा था कि एक मरतबा जंगल में आग लग गई कई सौ किलोमीटर की, सारे जंगल के जानवर जंगल से भाग रहे हैं, बड़े बड़े जानवर, शेर, हाथी, चीते, सब जंगल छोड़कर भाग रहे हैं। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में एक खतरा पानी का किलोमीटर दूर नदी से जाकर लेकर आ रही है और आग में डाल रही है, बार बार चक्कर कर रही है। एक खतरा, वहां पर कुछ कौवे बैठे हुए थे, उन कौओं ने चिड़िया को देखा, देखकर हंसते हुए कहा कि आग तो कई सौ किलोमीटर पर लगी हुई है, तेरे एक खतरे से क्या ये आग बुझेगी। तो चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे भी पता है मेरे एक खतरे से कोई फर्क नहीं पैदा होने वाला है, लेकिन मोहरिक जब इस आग की तारीख लिखेगा, मेरा नाम बुझाने वालों में और तुम्हारा नाम हंसने वालों में लिखेगा। तो आज आपके सामने जो शख्सियत बैठे हैं, ये सारे आग बुझाने के लिए आए हैं, आप सब आग बुझाने के लिए आए हैं, आप सबके जज्बे को तहे दिल से सलाम करता हूं। तो हम प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। सोए हम पहली स्लाइड पर जाते हैं, एहतजाज की स्लाइड है। मरकज़ अंजुमन महदविया को मैं सोशल मीडिया पर सुन रहा हूँ आजकल एक आम एनजीओ से कंपेयर किया जा रहा है। जो कंपेयर कर रहे हैं उनकी भी अपनी शख्सियत है, हम यहाँ पर किसी के ऊपर तनखीद करने के लिए जमा नहीं हुए हैं, उनका भी एक जहन है, अपनी सोच से वो बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं मरकज़ अंजुमन महदविया मेरी सोच में मेरे दिल में क्या मुकाम रखता है उसकी बात करने के लिए एक पॉइंट ऐड किया हूँ कि इट्स नॉट जस्ट एन एनजीओ। क्योंकि जैसे असगर भाई ने बताया और मेरे साबिक बराबर है, तो जो स्पीकर्स ने कहा, हमारी 125 साल तारीख है। मुझे पता नहीं आप में से कितनों को पता है कि हमारा डेडिकेटेड विकिपीडिया का पेज है जिस पे हमारे सारे सुदूर के, साबिका सुदूर के नाम है। आप वो देखिए, सिर्फ सुदूरों के नाम पढ़ने में आपको फख्र महसूस होगा कि हम ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं। मरकज का जो काम है, मरकज की जो तारीख है, अगर आप उसका जायजा लेंगे तो कोई भी शख्स मैं नहीं समझता कि इसको किसी भी एनजीओ से कंपेयर करने की जरूरत कर सकेगा। हमको जो है, जितने भी महदवी तंजीम है सारी दुनिया में, उसका मरकज बनाया गया, हम सारे महदवी तंजीमों का कैपिटल है, और इस कैपिटल के सदर का जब इंतखाब होता है तो हमको ऐसी शख्सियत चाहिए जो हर शोबे में कामयाबी हासिल कर चुकी है, जो तालीम याफ्ता है, जो चीज़ मैं डॉक्टर मसूद अली खान साहब की शख्सियत में देख सकता हूँ।
वो बजाते खुद डॉक्टर हैं, उनका खिदमत का जज्बा, उनकी कौम के लिए फिक्र, वो इतने मसरूफ़ शख्स हैं कि वो मरकज़ अंजुमन महदविया के लिए अपनी सारी मसरूफ़ ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलों से वक्त निकाल कर आ रहे हैं। उनकी फितरत के खिलाफ वो वकीलों के पास जा रहे हैं सिर्फ मरकज़ के तहफ़ के लिए। इसमें उनका कोई निजी फ़ायदा नहीं है, इसमें मेरा कोई निजी फ़ायदा नहीं है, आप में से किसी का नहीं है, यहाँ बैठे हुए लोगों में से किसी का निजी फ़ायदा नहीं है। ये हमारी सिर्फ कौम महदविया की तरफ, मरकज़ अंजुमन महदविया की तरफ तड़प है और मोहब्बत है जो हम सबको बांध कर यहाँ पर लेकर आई है। और आज मेरी आँखें जो नज़ारा देख रही हैं, पिछले कई साल से इस नज़ारे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। हमारे जो नौजवान यहाँ पर आकर बैठे हैं और ये नौजवानों को यहाँ पर लाने के लिए हज़रत नेमतुल्ला खान साहब सूफ़ी मुबीन भाई की जो बरसों की जद्दोजहद है आज नज़र आई है। आप सबको ये देखकर खुशी होना चाहिए कि हमारा मुस्तकबिल यहाँ बैठकर फिकर कर रहा है और हमारी खिताबों को सुन रहा है, मरकज़ का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रहा है। पहली स्लाइड आप देख चुके हैं, अगली स्लाइड पर जाते हैं। असगर भाई ने जैसा कहा कि हम रातों में बैठे हैं, काफ़ी घंटे हमने इस काम को दिए हैं कि हज़रत मकसूद अली खान, डॉक्टर मसूद अली खान साहब जब सदर मुंतखब होकर आ जाएंगे तो हम क्या प्लान लेकर कौम के सामने जाएं। तो एक प्लान था जिसका एजेंडा था कि मौजूदा जो सूरत हाल है, सबसे पहले वो मौजूदा सूरत हाल को सुलझाना है, सब लोगों को एक पेज पर लेकर आना है, सबकी राय सुननी है, जिसकी राय हमसे मुत्तफिक है उन लोगों को बिठाना है, बिठाकर कन्विंस करना है डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, फ्यूचर के इनिशिएटिव्स हमारे नौजवानों के लिए और जो लोग बुजुर्गी के हिस्से में पहुंच रहे हैं उनके लिए फ्यूचर के क्या इनिशिएटिव्स लेने हैं। अगली स्लाइड पर जाते हैं। आप लोग, मैं समझता हूँ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएपों पर काफ़ी दिनों से दस्तूर की दफ़ा, दस्तूर की दफ़ा, दस्तूर की दफ़ा सुनते हुए आ रहे हैं और बिलखसूस उस दस्तूर की दफ़ा का जिक्र हो रहा है जिसको गैर दस्तूरी और गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर डॉक्टर मसूद अली खान साहब के पर्चे नामजदगी सदारती उम्मीदवार को मंसूख किया गया, वो दफ़ा अब आपकी आँखों के सामने है। हम इसको और बड़ा करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं सके। तो दफ़ा है जो कहा जा रहा है, अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, वरना अपने मोबाइल से फ़ोटो लीजिए और उस फोटो को जूम कर देखिए। उसकी पहली लाइन ये बोल रही है, दफ़ा है कि मोहरिक और मोइत एक ही दस्तखत कर सकता है किसी के भी पर्चे नामजदगी पर, एक ही। तो दफ़ा साफ तौर पर कह रही है मोहरिक और मोइत सिर्फ उसी शख्स को माना जाएगा जो दस्तखत कर रहा है। असगर खान साहब ने खलील खान साहब का जिक्र किया, खलील खान साहब ने डॉक्टर मसूद अली खान साहब के दो पर्चे नामजदगी जो दाखिल हुए उनमें से किसी पर भी दस्तखत नहीं किए, ना ही वो दोनों एक दूसरे को उस दिन से पहले जानते थे। अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो इंग्लिश का तर्जुमा है और इंग्लिश का तर्जुमा ऐसा है, अभी मैं जो बोल रहा हूँ अगर इसका इंग्लिश में तर्जुमा करने के लिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से 5 या 6 लोगों का कहा जाए तो सब के तर्जुमे में कुछ ना कुछ थोड़ी से तब्दीलियाँ आएंगी। तो आपका इंटरप्रिटेशन है, आप उर्दू से इंग्लिश में उसको किस तरीके से लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है प्रपोजर और सपोर्टर, तो ये सपोर्टर का भी अगर हम वर्ड लेकर चलें तो वो सपोर्टर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, प्रपोजर की दस्तखत को सपोर्ट कर रहा है, वो दस्तखत प्रपोजर की सपोर्ट में है। अब आगे बढ़ते हुए जो हमारा प्लान था, तो बैठकर जब सर जोड़े गए और बातचीत हुई कि कौम के लिए क्या हो सकता है, तो सबसे पहला सवाल ये था कि जब हमको पता ही नहीं है कि करना क्या है और लोग कौन हैं तो हम प्लान कैसा बनाएंगे। तो एक सबसे अहम प्लान था पॉपुलेशन सेंसस, हम हमारी कौम में कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने सीनियर हैं, कितने नौजवान हैं, कितने बच्चे हैं, उसमें से मर्द कितने हैं, औरत कितने हैं, तालीम याफ्ता कितने हैं, किस ग्रेड तक पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों का सेंसस करने वाले थे। जब हमारे को मिल जाता कि हमारी कौम में किस किस्म के लोग हैं, उसमें मार्जिनलाइज कम्यूनिटी कितनी है, जिसको अंडर प्रिविलेज क्लास कहते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स होंगे वेलफेयर के,
जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स होंगे, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए क्या प्रोग्राम्स होंगे, जो नौजवान हैं उनके चैलेंजेस क्या हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स होंगे। तो ये पॉपुलेशन सेंसस एक बड़ा मैनिफेस्टो आइटम था। नेक्स्ट पे जाते हैं, एजुकेशन। हर शख्स यहाँ जो बैठा है पिछले एक साल से मुसलसल सुनता आ रहा है कि अभी हियरिंग हुई स्टे ऑर्डर बढ़ गया, अभी हियरिंग हुई स्टे ऑर्डर बढ़ गया। आप लोगों में से किसी ने भी उस स्टे ऑर्डर के बढ़ने का जश्न नहीं देखा। फिर अनकरीब आप लोगों ने सुना अरे इस हियरिंग में स्टे ऑर्डर नहीं बढ़ा और काफ़ी जश्न दिखा। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है। डॉक्टर मसूद अली खान साहब का सबसे बड़ा एजेंडा है एजुकेशन। वो कौमे महदविया में मरकज अंजुमन महदविया के सदर की हैसियत से एजुकेशन को तरजीह देकर आ रहे थे। जो हमारी नई तामीरा बिल्डिंग है उसमें उनका ख्वाब है महदविया कॉलेज खोलें, चाहे वो कॉलेज जूनियर कॉलेज की शक्ल में हो, इंटरमीडिएट की शक्ल में, या डिग्री कॉलेज की शक्ल में हो। उनकी ख्वाहिश है जूनियर डिग्री से होते हुए प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस तक मरकज अंजुमन महदविया के इस अहाते में आए। तो ये भी बहुत अहम एजेंडा आइटम था जो हमारे लिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है। ये कॉलेज खुलने के बाद हम में से कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता कि पहले साल में नतीजे आएंगे, आने के लिए वक्त लगेगा। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमारा किसी से इख्तलाफ नहीं है, किसी से इख्तलाफ नहीं। मैंने अपने वॉइस नोट में भी कहा है, नाम लेकर कहता हूँ, MS एजुकेशन सोसाइटी एजुकेशन के तालीमी मैदान में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम हमारे मरकज़ में, हमारी इमारत में अपनी काबिलियत पर उनके मुकाबले में उससे अच्छा कॉलेज खोल सकते हैं, चला सकते हैं और नौजवान पैदा कर सकते हैं। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच के साथ हम आगे आए हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगा, जो कौम करोड़ों रुपया ज़कात निकालती है उसको 2.5 लाख रुपये महाना किराया बताकर ललचाया जा रहा है। महज 2.5 लाख हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखते अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही एजेंडा आइटम था। अगली स्लाइड पर आगे बढ़ते, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। दुनिया सारी डिजिटल की तरफ जा रही है। आप सबके जेब में, अब जब मैं बात कर रहा हूँ, स्मार्टफोन है। कुछ लोग उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग शायद फ़ोन में कुछ देख रहे हैं। तो सारी दुनिया आपके 6x3 इंच के हाथ में है। तो मरकज़ को उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना ज़रूरी है। ये सोच डॉक्टर मसूद अली खान साहब की है, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी एक्सट्रीमली वेल एक्सपोज मैन। उन्होंने दुनिया का सफ़र किया है सरमाएदार की हैसियत से। एज अ बिजनेस मैन ही इज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया है, अपना लोहा मनवा लिया है। तो ये उनकी सोच है कि मरकज़ को हमको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आना है। जब हम बात कर रहे हैं, ये आलमी मरकज़ है, सारी दुनिया के महदवियों का कैपिटल मरकज़, तो सारी दुनिया के महदवियों को इसका एक्सेस भी देना चाहिए। तो सारी दुनिया के महदवी को एक्सेस मिलेगा कैसे? ऑनलाइन, डिजिटल तरीके से। तो सोच ये थी कि हम अपनी एक वेबसाइट फिर से बनाएंगे, अपना ऐप खुद से फिर से बनाएंगे, और उस ऐप पर इतनी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे कि मरकज़ अंजुमन महदविया के हर रुकने दवामी को हर महीना बैंक स्टेटमेंट भेजा जाएगा कि मरकज़ को आमदनी कितनी आई, मरकज़ के अखराजात कितने हुए। टोटल ट्रांसपेरेंसी। एक सोच ये भी थी, जैसे ये इजलास हो रहा है, इजलास आम होगा, कुछ इजलास इंतजामी के होंगे, उस इजलास का लिंक भी दिया जाएगा। मरकज़ अंजुमन महदविया का रुकन दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठा हो वो देख सके मरकज़ में क्या हो रहा है, क्या फैसले हो रहे हैं, क्योंकि नौजवानों का मुस्तकबिल तय करेगा। अगली स्लाइड पर जाते हैं, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ मेरे भी बहुत करीब है, इसलिए मैंने 2-3 बार अपने नौजवानों का अब तक अपनी तकरीर में जिक्र भी कर दिया है। नौजवान हमारा मुस्तकबिल है। इन ये लोग आने वाले 30 साल 40 साल 50 साल मरकज़ का तहफ़ करेंगे, जिसकी जद्दोजहद अब हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, इन सब की सरपरस्ती में आप कर रहे हैं, और ये लोग आकर अब हमसे जुड़ रहे हैं। 125 साल तक इस मरकज़ का तहफ़ होता हुआ आया है। अब हम जिस सरजमीन पर बैठे हुए हैं, मैं जिस सरजमीन से खड़कर मुखातिब हूँ, ये सरजमीन औकाफ़ी है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
آپ کے میرے سارے مخلوق کے رازق و رحیم کی خالق کائنات کی زمین ہے، جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے ہم کو دی ہے، یہ کسی کی نیجی لڑائی نہیں ہے۔ غور سے سنیے عزیزان محترم، یہ کسی کی نیجی لڑائی نہیں ہے، یہ اوقافی زمین کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ ہم جس دن اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے اور ہم سے سوال ہوگا کہ میں تم کو صاحب سمجھ بنایا تھا، صاحب استطاعت بنایا تھا، صاحب طاقت بنایا تھا، میرے مرکز کے ساتھ، میری زمین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا تھا، کیا کیا؟ کم سے کم اس اجلاس میں جتنے لوگ موجود ہیں الحمدللہ اللہ رب العزت کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہم نے ہماری گنجائش میں ہر ممکن کوشش کی اس کے تحفظ کی، اور یہ کوشش جاری رہے گی چاہے نتیجے کچھ بھی آئے۔ کوئی ہمارے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا، کوئی کورٹ کیس ہمارے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا، چاہے کوئی بھی آئے۔ دیکھیں گے مرکز انجمن مہدویہ جس طریقے سے چلتا آیا ہے، آگے بھی مرکز انجمن مہدویہ اسی طریقے سے چلے گا۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آگے ذمہ دار بننے والے بیٹھ کر سن رہے ہیں۔ تو اس کا تحفظ نوجوانوں کے پروگرامس، آج کی دنیا میں جو لوگ چائنا میں بیجنگ میں بیٹھے ہیں، جو لوگ جاپان میں ٹوکیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سنگاپور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے حیدرآباد کے بچوں کی نوکریاں لے رہے ہیں، ہمارے بچے ان کی نوکریاں لے رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ بچے بیٹھے ہیں، صہیب مہدی خان جو اس وقت لیپ ٹاپ آپریٹ کر رہے ہیں، یہ بھی الحمدللہ ملٹی نیشنل کمپنی میں بہت اچھے عہدے پر کام کرتے ہیں۔ یہ جو کام کر رہے ہیں، یہ کام میں سمجھتا ہوں آج سے 20-25 سال پہلے کوئی شخص نیو یارک یا شکاگو میں بیٹھ کر کرتا تھا۔ دنیا چھوٹی ہو چکی ہے، ہم کو اس دنیا کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم کو ہمارے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے صرف حیدرآباد کے لیے نہیں، ساری دنیا میں کمپیٹ کرنے کے لیے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم وہ پروگرامس لے کر آ رہے تھے مرکز انجمن مہدویہ کو۔ آپ سلائڈ پر پڑھیے، فری اکیڈمک ٹیوشنس، جو بچے فراز اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو بچے ماڈرن اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جو بچے رحمتیہ میرے پھوپھی کے گرلز ہائی اسکول میں بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور مختلف محلے میں اسکولز میں پڑھ رہے ہیں یا باہر پڑھ رہے ہیں، جو اپنا ٹیوشن افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ زیادہ تر بچے جو اسکول سے گھر واپس آ جاتے ہیں، وہ بچوں کو ٹیوشن کلاسز کی ضرورت پڑتی ہے جن سبجیکٹ میں وہ ویک ہیں۔ ہر والدین یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کریں۔ مرکز وہ کام کرنے والا تھا، فری اکیڈمک ٹیوشن ہم دینے والے تھے بچوں کو۔ ایک ایجنڈا آئٹم تھا اکیڈمک ایکسلنس اوارڈز، جو میں سمجھتا ہوں میں بچپن میں مرکز میں دیکھا کرتا تھا، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ آج بھی ہماری قوم میں الحمدللہ ہر سال ایسے بچے بچیاں بڑے ایگزامس میں پاس ہو رہے ہیں، جن کو مائل سٹون ایگزامس کہا جاتا ہے، مائل سٹون ایگزامس میں پاس ہو رہے ہیں، اچھے میرٹ بیسس پہ نمبروں کے ساتھ، 95-98% کے ساتھ۔ کوئی انکریجمنٹ، کوئی موٹیویشن نہیں۔ ہمارے پاس اکیڈمک ایکسلنس اوارڈز کے تھے، اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، صرف کالج جا کر پڑھائی حاصل کر کر آپ ایک جاب پر، ایک نوکری پر کم سے کم 200-500 ہزار لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کرنے والے ہیں، نوجوانوں سے بولا۔ ان کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کی، چاہے وہ کمیونیکیشن اسکلس کی شکل میں ہو، چاہے وہ آئی ٹی اسکلس کی شکل میں ہو، یا کوئی اور اسپیشلائزیشن کی شکل میں ہو۔ وہ کام ہونے والا تھا، ہمارے پاس کام ہونے والا تھا جاب پلیسمنٹ اسسٹنس کا۔ جاب حاصل کرنا بھی ایک بڑا پروسیس ہے، جاب پلیسمنٹ اسسٹنس کا پروگرام تھا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس ڈیبیٹ سیشنس ہونے والے تھے، جو برننگ ایشوز ہیں، جو چل رہے ہیں اب صرف قوم مہدویہ میں نہیں، ہم محدود نہیں رہ سکتے، باہر بھی، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب پر ہمارے نوجوان آ کر ہماری ڈیجیٹل لائبریری میں بیٹھ کر ڈیبیٹ کرتے تھے، اپنے ایک دوسرے کی، ان لوگوں کے ایجوکیشن میں، نالج میں اضافے کے لیے ہیلدی ڈیبیٹس۔ اور اینوئل اسپورٹس میٹ، اسپورٹس کا ذکر ابھی ہوا ہے پیشوا مقرر کے پاس، ہمارے پاس اسپورٹس کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان سب کاموں کے لیے ہم کو چاہیے کیا؟ ہم کو چاہیے سپیس۔ اگر ہمارے پاس جگہ نہیں ہے تو ہم یہ سارا پروگرام بنا کر کہاں کریں گے؟ سوائے ہمارے پاس مرکز انجمن مہدویہ کے 4000 گز کے اور کوئی جگہ فی الحال فراہم نہیں ہے، ٹرسٹی بورڈ مشیر آباد میں جو 1-1 انچ وہ اپنا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہماری سوچ، یہ ہماری تڑپ ہے کہ مرکز صرف ہمارے لیے رکھو، بنا کسی کی مخالفت کے، صرف ہمارے لیے رکھو۔ اگلی سلائڈ پر جاؤ۔
तो ये प्रोग्राम था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों के कुछ समझ में आया है ये प्रोग्राम। अगर आपको इसमें कोई किस्म की तब्दीली करनी है, अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर आइडियाज़ हैं, तो ओपन डिस्कशन, ये चीज़ डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब ने मुझसे बिल्कुल पहली मीटिंग में कही थी। उन्होंने कहा कि मैं मरकज़ अंजुमन महदविया को अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया और कौम ने मुझे मौका दिया, तो जब मैं मरकज़ अंजुमन महदविया को आऊँगा, कोई फ़ैसला मेरा अकेले का नहीं होगा। हर अहम फ़ैसला मरकज़ अंजुमन महदविया का जो होगा, उसमें मैं अपनी इंतज़ामी के साथ क्या प्रोग्राम बनाया हूँ, क्या प्रपोज़ल बनाया हूँ, आम इजलास में पेश करूँगा, क्योंकि यह कौमी मरकज़ है, फ़ैसला भी कौमी होगा। आम इजलास अगर उसको कबूल करेगा तो मेरा प्रपोज़ल, मेरा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, अगर कबूल नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। ये होती है सदर की सिफ़ा। और ये बात हुई थी उनके न्यू लाइफ हॉस्पिटल के दफ्तर में बैठकर, मिसाल देकर कहा कि यहाँ के फैसले मैं कर सकता हूँ, अंजुमन के फैसले मैं अकेला नहीं कर सकता, वो मेरे इनफरादी फैसले नहीं हो सकते। तो जो एहतजाज आज हो रहा है, ये एहतजाज जारी रहना चाहिए। ये एहतजाज दस्तूर और कानून के दायरे में हो रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, बिलखसूस नौजवानों से गुजारिश है, अपना एहतजाज जारी रखो दस्तूर और कानून के दायरे में। अभी कहा गया, ज़बी भाई ने कहा कि हम दस्तूर को मानते हैं, फॉलो करते हैं, वो चीज़ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब जो हो रहा है, आप लोगों के यकीन को दस्तूर में कमज़ोर करने की एक साजिश हो रही है, साजिश। और जो है जिंदा कौम, मेरे बड़े भाई मुबीन भाई ने कहा, नेमतुल्ला खान सूफी साहब ने, कि जिंदा कौम की निशानी है अपना एहतजाज पुरअमन तौर पे दर्ज कराना। एक शेर मेरे जहन में आया है कि असूलों पर आंच आए तो टकराना ज़रूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना ज़रूरी है। तो ये जिंदा होने का सबूत है, और ये मुसलसल हमको देते रहना है ये सबूत। आप चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए हो, या आप किसी से बात करना चाहते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की ऑफिस में जाकर, क्योंकि वहाँ से हुआ है ये गैर दस्तूरी गैर कानूनी फ़ैसला। हमको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह ताला अदालत में फ़ैसला हमारे हक़ में आएगा। तो आप बात करिए, सवाल पूछिए, इन दो दफ़ों का हवाला दीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, ये दफ़ा 14 है, ज़िमन है, ज़िमन वा, ये दो दफ़ों का आप बैठिए, बैठकर खुलासा मांगिए रिटर्निंग ऑफिसर से। यहाँ पर हर शख्स जो बैठा है अपने आप में एक ताकत है, अगर आप बात करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, अगर बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। आप सबसे गुजारिश है, मैंने अपने वीडियो में भी ये गुजारिश की थी, आप लोग बात करिए, चाहे आप मरकज़ अंजुमन महदविया के रुकन हो या ना हो। असगर भाई, मैं समझता हूँ असगर भाई ने कहा है अभी कि होने वाले मुतवक्को मरकज़ अंजुमन महदविया के रुकन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका हक है, जाइए जाकर पूछिए सवाल कि गैर दस्तूरी तरीके से एक शख्स जो जज्बा लेकर अपनी टीम बनाकर आ रहा था, क्यों रोका गया? कौम महदविया के हक में जो काम होने वाला था, जो हो सकता था, क्यों रोका गया? कौम को हक था ये फैसला करने का। बाकी जो उम्मीदवार हैं, अगर कौम उनको चुनती तो वो भी हमारे भाई हैं, वो हमसे अलग नहीं है, वो हमारे गैर नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं। मैं समझता हूँ वो भी कुछ प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, लेकिन कौमी फैसला है। जिसका प्रोग्राम सबसे अच्छा है, सब सुनाइए अपना अपना प्रोग्राम, जिसका प्रोग्राम सबसे अच्छा है, जिसकी टीम सबसे अच्छी है, कौम उसको मौका देगी। ये हक छीनने का किसी के पास हक नहीं है, और ये हुआ है, ये आपके हमारे यहाँ पे होते हुए, उनसे मुतालबे करते हुए, उनको तहरीर लिखते हुए, उनसे बात करते हुए, ये गैर दस्तूरी गैर कानूनी हरकत हुई है। मामला आज कोर्ट में है, जो नहीं जाना चाहिए था। हमारे पास हमारे कोर्ट बैठे हैं, यहाँ पर हमारे मुर्शिदीन इकराम हमारे कोर्ट हैं, यहाँ पर फैसला हो सकता था, हमको ज़रूरत नहीं थी कोर्ट जाने की, मजबूर कर दिया गया कोर्ट जाने की। वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ, फिर से सिर्फ इसी मुतालबे के साथ कि इस एहतजाज को आगे बढ़ाइए, यहाँ से बाहर लेकर जाइए कानून और दस्तूर के दायरे में। और एक आखिर में शेर बोलकर ख़त्म करूँगा कि इनके लिए जिन्होंने मनसूख किया है पर्चे नामजदगी को, कि सितमगर तुझसे उम्मीद वफा होगी जिन्हें होगी,
सितमगर तुझसे उम्मीद है वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है तू जालिम कहाँ तक है। अस्सलाम वालेकुम। गौहरे कौम जो कौम महदविया के नौजवानों को जगाने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे यकीन है कि इनकी आवाज़ पर कौम ज़रूर जागेगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने ऐसे ही नौजवानों के मुतालिक कहा है, गौहरे कौम मुख्तदर अमीर अली खां की नज़र ये शेर है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मैं जलसा इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है, मैं मोहतिबाना आप लोगों के दरमियान में ज़्यादा वक्त लिए बगैर मोहतिबाना इल्तिमास करता हूँ हज़रत मकसूद अली ख़ान साहब शहर मुहिब्बे कौम हज़रत मकसूद अली ख़ान साहब शहर से कि वो अपने ज़रीन ख़यालात से हमें महजूज़ फरमाएँ। हज़रत मकसूद अली ख़ान साहब सरपरस्त आला तंज़ीम महदविया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों दुरूद व सलाम हो खातिमुन नबीन अहमद मुस्तफ़ा महमूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम मुहिब्बान मरकज़ी अंजुन महदविया, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक अंजुमन की तारीख में एक सितम ज़रीफ़ी है कि आज एक ऐसी तरह का जलसा मुनक़िद किया जा रहा है। हकीकतन मुहिब्बान कौम इस तरह के जलसे को पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे हालात पैदा किए गए, ऐसी फ़िज़ा पैदा की गई, ऐसी बात पैदा की गई कि अमूमन खुसूसन मुफ़िक्रान कौम महदविया को ये जलसा मुनक़िद करना पड़ा। मरकज़ी अंजुमन महदविया की 120 साल तारीख में मैं 1972 से अंजुमन के इलेक्शन से करीबी रहा हूँ। 1972 से लेके 1920 तक जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर नामज़द किए गए हैं, उन्होंने हमेशा अपने हाथ में सुई तागा रखा, इससे कौम को और उम्मीदवारों को जोड़ा रखा। मैं इस बात से भी बस वाकिफ़ हूँ कि बास उम्मीदवारों के फॉर्म में गलती भी थी तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको बुलाकर उसकी दुरुस्तगी भी फरमाया और उनके फॉर्म को कभी रिजेक्ट नहीं किया। ये तारीख अंजुमन महदविया में पहला एक नाखल्फ रिटर्निंग ऑफिसर है जिसने ऐसी शख्सियत का फॉर्म रिटर्न किया जिसको कौम से काफ़ी तवक्कात वाबस्ता थे। अभी हमने इसी एक डेढ़ दो महीने में डॉक्टर मसूद अली खान साहब से मुलाकात का शर्फ हासिलवा, उनका जो विज़न था इसको बहुत ही बेहतर अंदाज में बिरादर गौहर कौम ने पेश किया। हमारी ये बदकिस्मती है कि हालात ऐसे हो गए, आज हम ऐसी शख्सियत से महरूम हो गए कि जो कौम का मुस्तकबिल बनाने वाले थे, नौजवानों का मुस्तकबिल बना रहे थे, अंजुमन महदविया तारीख में एक सुनहरी तारीख लिखने वाले थे। इसके लिए हम जितना भी अफसोस करें कम है, लेकिन याद रखिए परवरदिगार आलम समी भी है, बसीर भी है, अलीम भी है, और उसने हर शख्स के हाथ में साथ दो फरिश्ते भेजा है जिसे हम कारमैन कातबैन कहते हैं। वो हमारी हर चीज़ को नोट कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, कौन किसको नुकसान पहुंचा रहा है। आज इस दुनियावी ज़िंदगी तुमको गुजर जाएगी, ए रिटर्निंग ऑफिसर तुमने अपनी शख्सियत पर ऐसा धब्बा लगा लिया है, जब भी अंजुमन की तारीख लिखी जाएगी, जब भी इलेक्शन का ज़माना आ गया तो तुमको तमाम लोग थू करेंगे, ऐसा धब्बा तुमने अपनी शख्सियत पर लगा दिया गया है, ये मिटने वाला नहीं। यकीन मानिए, यकीन मानिए, उस शख्सियत रिटर्निंग ऑफिसर जबकि दस्तूर के अमल की रोशनी से उनको जो अपॉइंटमेंट किया गया बहिस्त रिटर्निंग ऑफिसर और अपने आप को लगता है चीफ रिटर्निंग ऑफिसर, कहाँ है आप? चीफ नहीं है बल्कि चीफ रिटर्निंग ऑफिसर है, अंजुमन की तारीख में ऐसा रिटर्निंग ऑफिसर है। तुम में ज़रा भी गैरत है, जब भी खौफ खुदा है तो यकीन मानिए दूसरा नोटिफिकेशन निकाल लिए और बहिस्त उम्मीदवार के कौम के सामने डॉक्टर मसूद अली खां को पेश कीजिए।
तुम पर बड़ी जिम्मेदारी है कल खुदा के आगे तुमको बताना, लेकिन इस पर्दे के पीछे एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने आज़ादी से कबल अंग्रेज़ों ने जो काम किया था, मीर सादिक मीर जाफ़र को पैदा किया था, यही शख्सियत ने दो मीर जाफ़र को मीर सादिक को पैदा किया और उन्होंने आपका बेड़ा हक कर दिया। आज आप रिटर्निंग ऑफिसर से मिलिए, बात कीजिए, देखता हूँ उनके चेहरे पर हवाएं उड़ रही हैं, परेशान हाल है, उसको सुकून और चैन नहीं है। मेरे हाथ से क्या उसका नफ्स मलामत कर रहा है, लेकिन वो ऐसा जगड़गवा हुआ है कि वो कुछ कह नहीं सकता, मुंह जुबान बात कर रहा है। आज बात करने के लिए वो तैयार नहीं है। अल्लाह की क्या मार पड़ी है, देखिए। अफसोस होता है, ये विज़न आ रहा था हमारे कौम के सामने, कौम की कितनी बड़ी तरक्की हो रही थी, कितनी बड़ी तरक्की होने वाली थी, एक नई तारीख लिखी जाने वाली थी अंजुमन की, लेकिन उस तारीख को सफ़े हस्ती से मिटाया गया। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन अल्लाह का इंशाअल्लाह ताला कौम डॉक्टर मसूद अली खान साहब से, मुख्तदर अमीर खान साहब से फ़ायदा हासिल करी, वो हमेशा आगे रहेंगे। असल दरअसल बात यह है कि उनके सामने डॉक्टर मसूद अली खान नहीं है, उनके सामने है मुख्तदर अमीर खान, उनके सामने है ज़बीउल्लाह, उनके सामने है असरार खान, उनके सामने है मोहसिन, है दूसरे कई लोग हैं। वो नहीं चाहते कि ये टीम जो आगे बढ़कर कौम की खिदमत के लिए आगे, वो आगे नहीं आए। अगर ये टीम आ जाएगी तो पूरा कच्चा खुट्टा खुल जाएगा। ये बात कह रहा हूँ, स्टेज पे कह रहा हूँ, बिल्डिंग बनी है, इसका हिसाब किताब अंजुमन के पास नहीं है, ना किसी गुशवारे में पेश किया गया, ना सालाना हिसाब किताब में पेश किया, कोई रकम नहीं पेश नहीं की। अगर खुदा ना खास्ता जैसा कि यूपी में हुआ है कि आज़म खान जो एमपी थे, एमएलए थे, इनकी कई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग थी, उनका हिसाब किताब नहीं था, तो हुकूमत ने बुलडोज करके उनकी बिल्डिंगें तबाह कर दिया। ये वाक़ा हुआ है, कल खुदा ना खास्ता यहाँ पर अगर बीजेपी की हुकूमत आएगी, ये बिल्डिंग खड़ी हुई है और देखिए कि यहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है, कौन दिया क्या दिया, तो बुलडोज़र लग सकता है। इस तरह के काम हुआ और अंजुमन की तारीख में पहली मरतबा वक्त की जायदाद को फरोख्त किया गया, ऐसा आज तक नहीं हुआ। हमने कहा है, इजलास में कहा है, असगर खान साहब वाकिफ़ हैं, आप 22 लाख में इमारत को बेचे हैं, हम 22 लाख सब मिलकर मेरा दिलदार खान असरार खान निकला 22 लाख हम 3 दिन में 4 दिन में जमा करके देते हैं, वो जायदाद वापस ले लो। इतना तहखुन दिया गया फिर भी उस पर राजी नहीं हुई, ये क्या आना है? गर्ज हमारा अपना काम है कि जहाँ तक हो सके अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं कि बारी ताला हमारे कौम सामने हैं, ये जो चेहरे आए हैं अल्लाह ताला उनमें हिम्मत ताकत और सब्र इस्तेकामत दे और कौम को ये तौफीक अता फरमाए कि हम उनके खिदमत से इस्तेफादा कर सकें। आज क्या ज़रूरत है डॉक्टर साहब को मुख्तर में, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, सब कुछ घर में बैठ कर रफ़ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन जो जज्बे कौम के साथ वो आगे हैं उसकी कदर करना चाहिए। उम्मीद तो होनी चाहिए थी कि डॉक्टर साहब को बिला मुकाबला इंतखाब में ऐसी शख्सियतें हैं, पढ़ी लिखी शख्सियत, उम्मीद तो ये होना चाहिए थे बड़े वर्ग आगे बढ़े। अब भी वक्त गुजरा नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, खौफ आखिरत अपने दिल में पैदा कीजिए, रात में सोने से पहले सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं या कौम का फ़ायदा कर रहे हैं, कौम अपना नुकसान कर रहे हैं या कौम का नुकसान, ये कौम का नुकसान है। कौम कभी भी ऐसे शख्सों को कभी भी फरामोश नहीं करी और उनको मीर जाफ़र मीर सादिक से याद करेगी। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि आज जो बदबख्त लोग हैं जो डॉक्टर मसूद अली खान साहब के विज़न को पसंद नहीं कर रहे हैं, नहीं करें, उनको तौफीक दे कि अल्लाह ताला इनके जज्बे खिदमत को देखते हुए उनको दिल को पलटा दे। और बिलखुसूस मैं रिटर्निंग ऑफिसर कहता हूँ, खुदारा तुम अपने फैसले पे एक बार गौर व फिक्र करो, सच्चे दिल के साथ तोड़ करो कि मैं जो किया हूँ सही किया हूँ या गलत हूँ, तो खुद ब खुद आपका ज़मीर आपका नफ्स ये दे देगा कि मैंने गलत किया है। आप दूसरा ऐलान नोटिफिकेशन निकालिए और बहिष्यत उम्मीदवार के कौम के सामने इनका ऐलान कीजिए। अगर तुम में ज़रा भर भी खुदा का खौफ और डर हो, आकर ये दुनिया गुजर जाएगी, वहाँ तुम्हें
आपके पसे पर्दे पीछे के पीछे जो है कोई काम आने वाला नहीं है, आपका अमन आपको काम आए देगा। आपने जो भी गलतियां की उसका असर आप पर पड़ेगा, उसका जवाबदेही होना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला के हुजूर दुआ है कि बारी ताला कौम महदविया को ऐसे अफराद के शायद ऐसे अफराद से कौम को जो कौम में तिश्ना पैदा करते हैं, कौम में के फिजा को धर्म भरम करते हैं, इतिहाद इतफाक को नुकसान पाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनको इतनी फिक्र दे, इतनी सोच दे कि वो सही रास्ते पर आ जाएं। और बिलखसूस मुझे उम्मीद है कि आज का ये पूरा मजमुआ जो कहां कहां से तमाम से आए हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, अंजुमन से मोहब्बत रखते हैं, यकीनन इस बात पर खादर रखते हैं, इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम रिटर्निंग ऑफिसर के इस अमल पर जो उन्होंने डॉक्टर मसूद अली खान साहब की रुकनियत को मुस्तरद किया है, उसका हम बेबाकी के अंदाज के साथ और बहुत ही मुखाफला अंदाज में उसकी हम मुखालिफत करते हैं और आपसे अर्ज करते हैं कि दोबारा इस फैसले पर गौर करके नोटिफिकेशन जारी करें और भविष्य उम्मीदवार सदर अंजुमन महदिया डॉक्टर मसूद अली खान का ऐलान करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ये थे मुहिब मिल्लत हज़रत मकसूद अली ख़ान साहब सहर, जो अपने बसीरत अफरोज खिताब से हमें महसूस फरमा रहे थे। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का, अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, हाँ जी जी, निशान यही है ज़माने में। आप मोहतरम साहब हैं, आप पेश कर रहे हैं, तुम नहीं नहीं आप बोलिए, बुला लीजिए लोगों को, बुला लीजिए जो हजरत बाहर खड़े हुए हैं जलसागा से, उनसे मेरा इल्तिमास है, गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ़ लाए, क्योंकि हम यहाँ पर ये जलसे की अख्तितामी कार्रवाई के साथ साथ डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब की हिमायत में और मरकजी अंजुमन महदविया के दस्तूर अमल की जो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है उसके खिलाफ खिरारतें पेश कर रहे हैं, उसकी ताइद और हिमायत के लिए आप तमाम हजरात से जो जलसगाह के बाहर खड़े हुए हैं अंदर तशरीफ़ लाने की गुजारिश की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफक्किरीन ने कौम महदविया की जानिब से मुनक़िद होने वाला ये इनफरादी अज़ीम-ए-शान जलसा जो 25 अगस्त को बहादुरिया रंग हाल इहाते मरकज़ी महदविया में मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें कौम महदविया के हर मुक़ाम से हैदराबाद में बहने वाले महदी भाई शरीक हुए हैं, इन तमाम की मुत्तफ़िक़ा राय ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर जनाब सैयद इब्राहिम इकबाल साहब ने अपने ख़लम से एक ही जुम्बिश में एक ऐसे शख्स को जो से कुछ कसूर नहीं किया है उसको सज़ा दी है। हम आपके इस अमल के मुकाबले मज़म्मत करते हैं और आपसे ये इल्तिमास करते हैं कि आप फौरन अपने इस अमल को हटाकर एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करें कि दोबारा हमारे डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब को बहैसियत उम्मीदवार मरकज़ी महदविया कौम के सामने पेश करें। ये आज के तमाम शुरुआत गुजरात की यही आवाज़ है, उम्मीद है हम तमाम इस आयत की तायद करते हैं और बिलखसूस रिटर्निंग ऑफिसर से भी इस्तमास है कि अपने फैसले पर नज़रखानी करें और डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब को कौम की फलाह व बहबूद के लिए, अंजुमन की फलाह व बहबूद के लिए उनके नामजदी फार्म को दुरुस्त करते हुए बहैसियत उम्मीदवार ऐलान करें। शुक्रिया। ये हज़रत मसूद अली ख़ान साहब की किरारदाद थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने तायद की अपना हाथ उठाकर। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें, कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। अल्लामा इकबाल ने ये हमारे लिए हमारे नौजवानों के लिए कहा है। अब मैं आखिर में इस जलसे के अख्तिताम से कबल जनाब डॉक्टर मसूद अली ख़ान साहब सदारती उम्मीदवार, मेरी नज़र में आज भी डॉक्टर मसूद अली ख़ान उम्मीदवार हैं, मेरी नज़र में उस वक्त तक डॉक्टर मसूद अली ख़ान उम्मीदवार रहेंगे जिस वक्त तक मरकजी अंजुमन महदविया के रिटर्निंग ऑफिसर मजबूर ना हो जाए
उनके नाम का नोटिफिकेशन निकालने के लिए। तब तक मेरे लिए डॉक्टर मसूद अली खान उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार मरकजी अंजुमन मैदविया है, तो मैं डॉक्टर मसूद अली खान साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो आपको खिताब करें और आपकी आमद पर आप तमाम का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम पूरे हाजरीन, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जो आज आप अपना वक्त निकाल के, कीमती वक्त निकाल के तकरीबन 2.5 घंटे से ये बयान सुन रहे हैं। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इसके वास्ते, और आप आज हक़ की बात सुनने के लिए और हक़ को साथ देने के लिए आप आए हैं। जैसा मैं आपको फरमा रहा था, आप लोग 1950 से लेके अब तक पूरी हिस्ट्री सुन चुके हैं, और ये 125वां साल है अंजुमन का हमारी। एक थोड़ी चीज़ें आप लोग नोट करे होंगे, 121 साल गुजर गए, कोई अब तक पूरे सदरों को 3 साल थी, ये मौजूदा सदर को 3 साल बस नहीं थी, खुद का मियाद बढ़ा लिए। 121 साल में कोई नहीं बढ़ाया, मौजूदा सदर बढ़ा लिया। 121 साल में कोई अंजुमन की जायदाद नहीं बिकी, अब बिक गई जायदाद। 121 साल में है ना, ऐसा कोई बिल्डिंग बनाने के वास्ते कोई हिसाब नहीं किताब नहीं, ऐसा नहीं हुआ, अब हुआ। ऐसे कई पॉइंट्स हुए। अब जहाँ तक मेरे डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, अब कानून गिनून तो पूरा सुन लिया, अब सिर्फ एक बोलने की बात थी है कि खलील खान साहब थे, ये थे। अगर उन्होंने नहीं भी रहते तो मेरे को कोई ना कोई पॉइंट बना के डिस्क्वालीफाई करना था। ये एक आदमी वहाँ मिल गया, इनका नाम लगा दिया। अगर वो नहीं रहता तो बोलते थे कि साइन मैच नहीं हो रही, या पेपर फाड़ के बोलते थे कि पेपर मिसिंग है आपके उसमें, कुछ भी, यानी जो बेईमानी पे करने उतरता उन्हें कोई भी बेईमानी कर सकता, किसी किस्म से बेईमानी कर सकता, बेईमान को नहीं रोक सकते आप, मालूम, जो हक पे रहता उसको समझा सकते, बेईमान को आप सही नहीं कर सकते। अब हो गई बात, पूरे स्पीचेस एक जगह पे आके रुक गए, पूरों के वहाँ से यहाँ तक पूरों के शुरू ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, अब आके अब हम कोर्ट को जा रहे हैं, ये दोबारा नहीं होना ऐसा, ऐसा आके रुक गए। अरे ऐसा क्या हो रहा है, इससे पहले का सदर 11-12 साल बैठ गया, अब जो सदर है उतरने की ख्वाहिश ही नहीं है, अब आने वाले सदर को ऐसा नहीं करेगा, इसे क्या करना, सदारत से पहले क्या मस्जिद में आएगा कसम खिलाना, अब ऐसे धोखेबाज अगर रहेंगे तो कसम भी तोड़ेंगे, उन्होंने क्या कर रहा हूँ उनके वास्ते, बहुत बड़ी सोचने की बात। अब ये फिर के अंजुमन की बात, मेरा डिस्क्वालिफिकेशन, मैं तो एक छोटी सी कड़ी हूँ उसमें, मेरा डिस्क्वालिफिकेशन एक छोटी कड़ी है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे डिस्क्वालिफिकेशन एक सिर्फ एक बहाना ले जाता रहा, मालूम ये असल क्या हो रहा, ये बाजू की बिल्डिंग, पूरा दिमाग लोगों का बाजू की बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी साजिश पूरी कौम के खिलाफ हो रही है। आप लोग एग्रीमेंट नहीं पढ़े हुए हैं तो मुख्तार साहब के पास एग्रीमेंट की कॉपी है, पूरे जने व्हाट्सएप मंगा ले या पढ़ो, उसमें MSN एसोसिएट्स लिखा हुआ है, और उसमें खुला लिखा हुआ है उन्होंने कोई भी काम के वास्ते इस्तेमाल कर सकेंगे, अंजुमन को उस पर एतराज़ करने का हक नहीं रहेगा। बट अगर ये बिल्डिंग अगर चले गई तो इसमें है ना मरकज़ खुलने वाला है, ये बात लिख के रख लीजिए, ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इल्ज़ाम नहीं है, आप एग्रीमेंट देख सकते हैं, ये इल्ज़ाम नहीं है कोई। अच्छा एक और एक मिसाल देता हूँ मैं, दो भाया हैं, ये दो भाइयों की एक बिल्डिंग रहती, अगर मैं दो भाइयों की बिल्डिंग लेने के वास्ते अगर एक को एडवांस दिया, एक भाई देना चाह रहा एक भाई नहीं देना चाह रहा, अब मैं लड़ रहे दोनों आपस में, मैं 1 महीना वेट करता हूँ, 2 महीने वेट करता हूँ, 6 महीने वेट करता हूँ, MS वाला 1 साल से ज़ायद हो गया, मेरा एडवांस वापस दो, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं होना, फिर नहीं होना, मेरा जॉब दो,
एमएस वाला क्यों ना खुद जो एडवांस वापस जो क्यों नहीं बोल रहा, उन्हें बिल्डिंग होना, मैं यहाँ मरकज खोलना बोल के बैठा हुआ है, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अरे ये डिस्क्वालिफिकेशन के बाहर क्या है देखो आप, इसके आगे देखो, यहाँ रुक जाओ ना कमोना, ये कोई नहीं बात करे। हम तो चाहते कि क़यामत तक हमारा इस पे रहे, जब तक हमारी नस्ल रहे महदवी रहे, हम तो ये चाहते। अब ये क्यों हमारा ये, मेरे को ये बात मेरी समझ से बाहर की बात है। तो बोलने का मतलब ये है कि ये आदमी इनको जान गए ना, मैं ना इनसे दबता ना इनसे मैं डरता। और आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, अब अंजुमन बचाना आप लोगों के हाथ में है। मैं साथ हूँ, मैं आगे रहूँ तो आगे रहता हूँ, मैं पीठ पटा के भागने वालों में से नहीं हूँ। जिसमें दम है मेरे को दबा के बता लो, देख लेंगे असमाल ताकत में से मैं तैयार हूँ। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये थे डॉक्टर मसूद अली खान साहब, सदारत के उम्मीदवार। जैसा कि मैंने कहा, जब तक मरकजी अंजुमन मेहदविया के रिटर्निंग ऑफिसर नए एलामिया के जरिए डॉक्टर मसूद अली खान की उम्मीदवारी को कबूल नहीं करेंगे, तब तक मेरे लिए डॉक्टर मसूद अली खान उम्मीदवार मरकजी अंजुमन मेहदविया है और रहेंगे इंशाल्लाह। जो अपने ख्याल का इजहार कर रहे थे और आपको इस बात का यकीन दिला रहे थे कि कौम की फलाह व बहबूद तक आपके शाना बा शाना वो हमेशा खड़े हैं, और जिस बात का खदशा, जिस बात का डर जनाब मसूद अली खान साहब ने अपनी तकरीर में किया है, उसका इजहार मैं और जनाब असरार अहमद खान साहब और मेराज दिलदार खान साहब इजलास आम में इस बात का बाबांगे दहल हजरत पीरो मुर्शिद सैयद महमूद शहाबुद्दीन काशिफ मियां साहब क़िबला सदर मरकजी अंजुमन मेहदविया के सामने करे हैं इस बात का ऐलान कि भाई आने वाले दिनों में अगर एमएस यहाँ पे रहेगा तो ये सीधा कौम मेहदविया की पीठ में खंजर होगा, इसको आने से रोकिए, इसको आने से इन्हें आने मत दीजिए। बल्कि हजरात मैं इस शेर के साथ यहाँ पे इजलास के इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरान से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने कश्ते वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत सरखेज है जाकी, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत बड़ी जरखेज।